बिल्कुल लेंगे। क्या कहते हो अखिलेश सर, शुरू करूं क्या? बिल्कुल सर, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, क्योंकि यूट्यूब पे जो लोग आना यूट्यूब पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो लोग कनेक्ट करेंगे। हाँ हाँ देखिए, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, अगर एक व्यक्ति भी इस ट्रेनिंग से सक्सेस को समझ पाया तो मेरी जिंदगी का उद्देश्य, आज की ये ट्रेनिंग का मेरा उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है। आज की जो ट्रेनिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोगों ने बातें करना बंद कर दिया है। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, बाहर प्लान दिखाने की तो बात छोड़ दो, लोगों के हाथ पैर कांपते हैं बात करते दफा, किसी से कम्युनिकेट करते दफा। और बुरे हालात तो ये देखो कि जीवन साथी से भी बात करने में हम झिझक रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, बच्चों के ऊपर चीख चिल्ला रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, कल भी मेरी एक बहुत अच्छे मित्र से बात हो रही थी, उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, बताऊं मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि हम खुश नहीं है, पैसा तो बना लिया लेकिन खुशी नहीं है। वो क्या कारण है? आज जो ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में देखो, बोलना तो बचपन में एक साल में आ जाता है आदमी को, लेकिन उसे बोलना क्या है सालों लग जाते हैं इस चीज में। और जो ट्रेनिंग आज मैं आपको देने जा रहा हूं, ये ट्रेनिंग 2 लाख रुपए की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग आप ये समझिए, आपने शायद पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना है, आप नेट पे जाके बाद में सर्च करोगे, ये लैंडमार्क एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तकरीबन 2 लाख रुपए की ट्रेनिंग पे खर्चा होकर के ये ट्रेनिंग हाथ में आती है, लेकिन ये वो ट्रेनिंग है जिसे टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, वो तो चलो बात की बात है, ये ट्रेनिंग जिसने अपनी कम्युनिकेशन को सेट कर लिया, चाहे मैं जब आपके साथ ये शेयर करूंगा तो आप देखोगे इस शेयरिंग के अंदर आपको अखिलेश सर नजर आ रहे होंगे, सोनम जायसवाल जी नजर आ रही होंगी, अजय सर नजर आ रहे होंगे, और झा सर नजर आ रहे होंगे, और जितने भी सक्सेसफुल, चाहे वो वेस्टीज कंपनी के, मोदी केयर कंपनी के, जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, उन लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर लिया है। पता है हो क्या रहा है? जब हम जाते हैं झगड़े हो जाते हैं, बहसबाजी हो जाती है, लड़ने लग जाते हैं। आप एक बात बताइए, अखिलेश जी ने 80,000 लोगों की टीम बना ली, कभी झगड़ा होते देखा है उनका किसी से? सोनम जी ने कितने हजारों लोगों की, 45-50 हजार लोगों की टीम बना ली, कभी झगड़ा होते देखा है? कभी गाली गलौज करते देखा है? लेकिन हम करने लग जाते हैं, हम गाली गलौज करने लग जाते हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि हम वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन केवल और केवल फेलियर देता है। ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये दोनों जो चुंबक हैं, अगर इनका दोनों का एक ही सिरा नेगेटिव नेगेटिव मैच करोगे ना, तो मैच ही नहीं होता। और जब मैच नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपको चुंबक चिपकानी है तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव मैच करने पड़ेंगे। और वो कैसे होगा? कम्युनिकेशन है क्या? आज तक बहुत सारी ट्रेनिंग आपने देखी होगी कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन है क्या और कम्युनिकेशन के कौन कौन से पार्ट हैं? देखो, हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो कम्युनिकेशन के कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कौन से करप्टेड कम्युनिकेशन के पॉइंट हैं जिनके कारण हम लोग अपनी जिंदगी में अनहैप्पीनेस और अनसक्सेस लेकर के आए हैं, फेलियर लेकर के आए हैं। लोगों ने अपनी जिंदगी में पैसा बना लिया फिर भी वो कहते हैं हम तो फेलियर है, हमारे दिल में खुशी नहीं है। चलते हैं अगली ट्रेनिंग पे, अब जब भी तो ध्यान से समझना। तुम क्या कह रहे हो? ट्रेनिंग ये कह रही है आंसर दीजिए, अपने आप को आंसर दीजिए। एक बात बताऊं, ये ट्रेनिंग मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, ये ट्रेनिंग मैं शेयर कर रहा हूं। मुझे गुरु मत मानिए, मैं आपका भाई हूं, और यहाँ पे ना मैं किसी पैसे के लिए ये ट्रेनिंग दे रहा हूं। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो मुझे जानते नहीं, मैं उन्हें जानता नहीं,
और वो हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के लोग हो सकते हैं, दूसरी टीम के लोग हो सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आज इंसानियत के नाते जो मैंने अपनी 40 साल में जाना है वो आपको शेयर कर रहा हूं। कहते हैं ना, जब जिंदगी में आप अपने परिवार, अपने घर को संभालते हो तो आप अपने समाज को अच्छा करते हो, क्योंकि अगर आपका समाज अच्छा है ना तो आपका घर भी सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं मैं ये दिखा रहा हूं आज आप लोगों को कि समस्या क्या है। क्या बात करते टाइम हमें घबराहट होती है, हमारा जी घबराता है जब हम किसी को अप्रोच करने जाते हैं या किसी को बात करने जाते हैं। अच्छा, ये इस पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर, ये मेरी 4 दिन की रेजिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा है, तो इस एक के ऊपर मैं आधा घंटा लेता हूँ, लेकिन अब नहीं ले सकता। मुझे मीटिंग का जो मूल मंत्र है, कोशिश करूंगा, अदरवाइज यहाँ पे मुझे आधा घंटा लगना चाहिए, लेकिन मैं आपको कम बता रहा हूँ। जीरो लाइज माइंड को कर लीजिए और आप समझने की कोशिश करिए मेरे औचित्य को। अगर आप लोग ने इंटरेस्ट दिखाया तो इसके टुकड़ों में भी इसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे। क्या बात करते टाइम हमें घबराहट होती है? क्या प्लान दिखाते टाइम हमें मीटिंग के टाइम झिझक होती है? पता तो सब नहीं, कुछ है लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं, बताते दफा हाथ पैर फूल रहे हैं। कॉल करना चाहते हो पर कॉल कर नहीं पा रहे हैं, जी घबरा जाता है। देखिए, किसी का माइक पैनलिस्ट में से प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफ कर लीजिएगा। तो कॉल करना चाहते हैं, कॉल नहीं कर पाते। मैं इसको जरा साइलेंट कर लेता हूं। और स्टेज पे बोलते हैं, टाइम हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हम बस मोबाइल में मैसेज डालें और लोग हमसे बात कर लें? अगर, क्योंकि हम तो नेटवर्किंग में हैं, बिजनेस में हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि बस हम मैसेज डालें और लोग हमें फोन करके ज्वाइन हो जाएं? क्या ऐसा चाहते हैं? तो समझ लो, इस ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है हमें, इस ट्रेनिंग की सख्त जरूरत। अगर आप ये लोग चाहते हैं, ये जो हो रहा है, और क्या चाहिए? क्या आप चाहते हो कि लोग आपके कंट्रोल में आ जाएं? क्या आप चाहते हो कि जो आप बोलो वो कन्वेंस हो जाएं आपकी बात से? मैं चाहूंगा पैनल में अगर कोई मेरे साथी हैं तो वो अगर मेरे साथ इसमें, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन होता है बेसिकली, तो मैं चाहूंगा चाहे अखिलेश सर मेरे एज ए मतलब पार्टिसिपेंट, या और भी जो पैनल पे लोग हैं, एक कोई भी व्यक्ति मेरे साथ पार्टिसिपेंट पे आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम लोग हैं सर, हम लोग हैं, डोंट वरी, गो अहेड। हाँ, तो अखिलेश सर, मनीष जी क्या हैं लोग वो सर, आपसे मनीष ये नहीं पूछते जी, कि? मनीष जी भी, मनीष जी भी हैं, मनीष जी, हाँ मनीष जी भी जी, हैं, ठीक है हैं ठीक है। पार्टिसिपेट करिए सर, सर के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो मैं ये जानना चाहता हूँ मनीष जी कि जी। क्या लोग आपसे ये पूछते हैं, क्योंकि अखिलेश जी आपके पास तो 80 हजारों की टीम है, क्या आपसे लोग पूछते हैं सर कोई ऐसी टेक्निक बताओ कि मेरे से लोग कन्वेंस हो जाएं? हाँ, टेक्निक के बारे में बात करते हैं, सबसे ऐसा बेसिक क्या बात बात है। करके इम्प्रेशन पड़े एक अच्छा, बार में। क्या लोग ये नहीं पूछते सर आपकी बात मान लेते हैं सब, हमारी बात नहीं मानते, कुछ टेक्निक बताओ ना, बिल्कुल 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 करते सही ना? बात है। हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप यकीन कर लीजिए कि हमारी जो लाइफ है, उस लाइफ का जो सबसे मेन पार्ट है वो करप्ट हो चुका है। जी हाँ, आज हम जानेंगे हमारी वो हरामखोरी जिसके कारण हम सक्सेस नहीं हो पा रहे। और जिस जिसने ये, देखिए, अनजाने में या जान करके जो ये शिफ्ट मैं आज बताने वाला हूं, सही कम्युनिकेशन, रॉन्ग कम्युनिकेशन से सही कम्युनिकेशन, जिसने अनजाने जाने ये शिफ्ट कर चुके हैं वो यहां तक पहुंचे हैं। तो हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी देन है कम्युनिकेशन, वो करप्ट हो चुकी है। और जो कंट्रोल करप्टेड पार्ट है ना, उसका जो कारण है, उसके कारण ही पैसे आने के बाद भी हम खुश नहीं है, और जो पैसे हैं ही नहीं तो वैसे ही खुश नहीं है। तो आप जानते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। मनीष जी, मैं ये जानना चाहूंगा, इस संसार में इन दोनों चीजों के अलावा कुछ चाहिए क्या किसी को? हमारे बिजनेस में दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता कुछ काम। मैं, आप, ये तो है ही है, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अपनी फैमिली में भी बात करूं, अगर मेरे रिलेशनशिप ना हो किसी से और मेरी किसी से एग्जैक्टली, बात ना हो सकती हो, तो उस पैसे का मैं क्या करूंगा? बिल्कुल, फैमिली बिखर जाएगी अगर कम्युनिकेशन गैप एक हस्बैंड वाइफ के बीच में भी रहता है। ठीक है, बेटा बेटे एक पिता और बच्चे के बीच में भी रहता है तो रिश्ते बिखर जाते हैं। कम्युनिकेशन बिल्डिंग और रिलेशनशिप
दोनों तो हर चीज चाहिए। अरे अगर मैं मित्र, आपको ऐसे टापू पे डाल दूं जहां पे लोग ना हो लेकिन वो आपकी बात ना समझते हो जी, और पैसे दे दूं अरबों खरबों, क्या होगा? कोई फायदा नहीं उसका। वो यही गया है, हमने पैसे तो कमा लिए लेकिन कम्युनिकेशन खत्म है अपने चाचा ताऊ मामा फूफा रिश्तेदारों से। आज मेरी सक्सेस को बांटने के लिए मेरा रिश्तेदार मेरे साथ नहीं, जो दोस्त जिसके साथ मैं बचपन में खेलता था वो मेरे साथ नहीं, मेरे पत्नी से रिलेशन अच्छे नहीं, मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप से रिलेशन अच्छे नहीं। अब दर के कहते हैं ना, हमारी हरियाणवी में कहते हैं, दर के चाटो इस पैसे को। जिस आदमी ने इसको समझा है ना मेरे दोस्त, आज की ट्रेनिंग में हमें क्या आउटपुट मिलेगा, आप क्या आउटपुट ले सकते हैं? फिर ध्यान से सुनिएगा, आज की ट्रेनिंग से आप क्या आउटपुट ले सकते हैं, याद रखें, मिलेगा नहीं आउटपुट, लेना होगा। अगर मैं आपको गारंटी देता हूं, अखिलेश सर ने मेरी ट्रेनिंग आज तक वैसे भले ही सुनी कि नहीं सुनी, पर मैं गारंटी देता हूं, अखिलेश सर बाद में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बोलेंगे मेरी सक्सेस का यही कारण था। किसी भी सक्सेसफुल आदमी से इस ट्रेनिंग के बारे में बात करिएगा, वो चाहते ना चाहते, जाने अनजाने, उसने वो सेट कर लिया जो मैं आज बताने वाला हूं। और आप भी अगर करोड़पति बनना चाहते हैं, रियल सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको राइट कम्युनिकेशन स्टेप पे जाना पड़ेगा, रॉन्ग कम्युनिकेशन को छोड़ करके। जैसा कि अखिलेश सर ने कहा, हमें यह समझना होगा कि आज ट्रेनिंग जो है, टारगेट क्या रहेगा इस ट्रेनिंग का, इस ट्रेनिंग का टारगेट रहेगा राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन। रॉन्ग कम्युनिकेशन कहाँ हो जाता है, हम कहाँ हरामखोरी कर रहे हैं और हमें कहाँ राइट टारगेट करना है। मिस्टेक क्या होती है कम्युनिकेशन के अंदर, उस मिस्टेक का सोल्यूशन खोजेंगे और रियल सक्सेस पाएंगे, रियल हैप्पीनेस पाएंगे। चलते हैं आगे, क्या इस ट्रेनिंग के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती? बहुत सारे लोगों ने नहीं ली होगी, फिर क्या सक्सेस नहीं मिली? मिल सकती है, परंतु जिस अनसक्सेसफुल होने के कारण जो दुख दिल में है ना, वो खुशी जो आज तक नहीं मिली, वो पैसे आने के बाद भी नहीं मिलेगी। उस नकली सक्सेस को पाकर के भी हम खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक रावण की तरह। क्या रावण के पास सब कुछ था लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाया, वो खुश नहीं हो पाया? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन उसके ब्रदर से, उसकी पूरी फैमिली से खराब थी। वो सिर्फ आईने में देख करके हैप्पी तो था, लेकिन रामचंद्र जी की अगर मैं बात करूं, वो जंगल में जाकर के भी खुश था। तो पैसा चाहिए, जरूरत है, सब कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप है। अगर ये सही हो गया तो पैसा आपके पीछे झक मार के आएगा। रामचंद्र जी ने कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप पे काम किया था, इसलिए उनके पास में सत्ताएं चल चल के आई। किस किंधा की? लंका की। जिसे रावण पाना चाहता था वो अपने आप उठ करके उसके पास आ गई। ऐसे ही अरबों खरबों रुपए आपके पास आ जाएंगे अगर आपने कम्युनिकेशन सुधार लिया, तो लोग आपको फोन करके आपके साथ ज्वाइन होंगे, आपका नेटवर्क बनेगा, लोग तरसेंगे आपके साथ खड़े होने के लिए, बात करने के लिए, और आपसे कुछ चाहेंगे भी नहीं, सिर्फ आपकी दो बातें सुनना चाहेंगे वो, अगर हमने कम्युनिकेशन के सिस्टम को सही कर लिया तो। और अगर आपने नकली सक्सेस पा भी ली ना मेरे दोस्त, तो जो फिल्मों में विलन देखते हैं ना, उनके साथ जो इक्के दुक्के लोग होते हैं, जो उनकी झूठी वाह वाह करते हैं, वो होंगे आपके साथ, और आप भी जानते होंगे कि वो सच्चे नहीं है और आप रह जाओगे। तो आज हम जानेंगे कि अच्छा नेटवर्क कैसे बन सकता है, वो नेटवर्क चाहे नेटवर्किंग का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो। ये जो टेक्निक है, जैसे कहते हैं ना, लाइट अगर आपके घर में है तो उससे बल्ब जलाओ, उससे ट्यूब जलाओ, टीवी चलाओ, फ्रिज चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ। आज मैं आपको उस लाइट को देने वाला हूं, वो लाइट शेयर करने वाला हूं, आपकी मर्जी है साहब, उससे नेटवर्क बनाओ, उससे कुछ बना लेना, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, और अगर आपको कम्युनिकेशन आ गया तो लोग तो आपके साथ जुड़ ही जाएंगे यार। सो नंबर वन, दिलो दिमाग को ओपन करके जीरोलाइज कर लो, सब कुछ भूल जाओ। 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर भी मीटिंग चलेगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर चीज को भूल जाओ और दिलो दिमाग खोल करके, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई हिप्नोटिज्म नहीं करने वाला, मैं आपको एक शक्ति प्रदान करने वाला हूं जो मेरे पास है, जिसके बाद लाइफ हेवन बन जाएगी और सच्ची सक्सेस मिल जाएगी, और दोस्त फैमिली और फ्रेंड्स के संग एंजॉय कर सकेंगे, पैसे के साथ एंजॉय कर सकेंगे।
और दोस्त इसीलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग। मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने बिल्डअप किया इस ट्रेनिंग को, आप ओपन माइंडेड होकर के, जीरोलाइज करके, अपने परिवार के साथ, अपने नेटवर्क के साथ इसे सुनेंगे, और जिन्हें आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं यूट्यूब लिंक को भेज करके उनको ये सुनाने के लिए ट्राई करेंगे। आते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि सीधा कंपनी टू कंज्यूमर, ऐसे ही कम्युनिकेशन का भी एक छोटा सा प्रोसेस है, अपने विचारों को या अपने पास जानकारी को सामने वाले को सक्सेसफुली ट्रांसफर कर देना कम्युनिकेशन कहलाता है। सक्सेसफुली कैसे, लोग मैसेज भेज देते हैं ब्रॉडकास्ट में, मैसेज भेज देते हैं, ये देखते ही नहीं कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ। आपने मुझे भेजा, मैंने देखा ही नहीं, तो कम्युनिकेट तो हुआ ही नहीं। और जब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, मेरा जन्मदिन है, मेरे भाई का, चाचा ताऊ का जन्मदिन है, मैसेज भेज दिया, तो साहब कम्युनिकेट तो हुआ ही नहीं, क्या पता वो मैसेज देखे ना देखे। तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुली अपने विचारों को वहां तक पहुंचाने का जरिया है, और कम्युनिकेशन सही से कर पाने वाला व्यक्ति ही सक्सेसफुल है। आज इस ट्रेनिंग में बैठे हुए 17 लाख, 16 लाख, 20 लाख कमाने वाले लोग इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो अपने कम्युनिकेशन को पहुंचाने में कारगर हैं। कैसे होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बोल करके होता है, सुन करके होता है, देख करके होता है, टच, यानी हमारी जो सेंसेस हैं उनके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, राइट? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो सेंसेस हमारे बंद हो चुके हैं। वो सेंसेस हमारे बंद हो चुके हैं, क्यों हो चुके हैं? उन करप्टेड पार्ट को देखेंगे कम्युनिकेशन के, जिसके कारण हमारे सेंसेस बंद हो चुके हैं, ना हम बोल पा रहे हैं, ना हम सुन पा रहे हैं, ये समस्या हमारे साथ है। करप्टेड पार्ट क्या है कम्युनिकेशन का, जैसा कि मैंने अभी पूछा था। एक मिनट वशिष जी। जी सर, बहुत ज्यादा चैट मैसेज आ रहा है, वॉइस स्लो आ रही है लोगों को। मेरी वॉइस मुझे तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, पर काफी लोग चैट कर रहे हैं, वॉइस स्लो आ रही है। अभी जरा पूछिए, जरा पूछिए जी, अब ठीक आ रही है सबको? जरा बताइए प्लीज। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है सर, सही आ रही है। हाँ सर, हाँ हाँ सही है, सही है सर। तो जैसा मैंने ये चैट अभी फिलहाल के लिए, हाँ चलो चलाते रहो क्योंकि ये भी क्लिक हो रहा है। तो कंट्रोल, जैसा कि मैंने पूछा कि ऐसा रहेगा अगर मैं आपको कंट्रोल करूं तो, अखिलेश जी यस बताइए, आपको मेरा कंट्रोल किया जाना कैसा लगेगा? बिल्कुल सही तो नहीं लगेगा, जो कंट्रोल करता है उसको अच्छा लगता है, जो कंट्रोल होता है उसको कहाँ अच्छा लगता है। तो आप मेरे को बताओ कि जब मैं किसी को कंट्रोल करना चाहता हूँ और उसे अच्छा लगना ही नहीं, बिल्कुल सही है, तो क्या ये करप्टेड पार्ट नहीं है? मैं क्यों कंट्रोल करना चाहता हूं किसी को जब मैं कंट्रोल होना ही नहीं चाहता? तो मैं क्यों कंट्रोल करना चाह रहा हूं किसी को? जो चीज आप खुद के लिए नहीं चाहते, अगर वो दूसरों पे थोपना चाहते हो तो झगड़े तो होंगे, लड़ाइयां तो होगी। ये वो पहला पार्ट है जिसके लिए मुझे फिर दोबारा से 2 घंटे चाहिए थे, लेकिन समझिए यहाँ पे चाचा ताऊ मामा पूपा बीवी बच्चे दोस्त नेटवर्क, नेटवर्क को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरी मुट्ठी में रहे, जब बोलू जब आ जाए, जब बोलू जब चला जाए। ये कंट्रोल करना है। साथ में तू बोल ले, मैं सीनियर हूं ना, तू बोल। प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं, प्लान में उसकी सुनते ही नहीं, अवॉइड कर देते हैं। हाँ हाँ तू बोल, बोल तू क्या बोलना चाहता है, फिर मैं बोलूंगा। तो अगर हम अवॉइड कर रहे हैं तो आर वी लिसनिंग? आर वी सीरियसली लिसनिंग? क्या हम सच में सुन रहे हैं? शब्दों के भीतर जो भावना छुपी हुई है वो तब तक अगर हमने समझी नहीं तो हमने सुना क्या? हम तो अवॉइड कर रहे हैं। बच्चा स्कूल से आया, पहले भी एक दिन आया था, उसने बताया मेरी क्लास में ये हुआ वो हुआ, अपन मोबाइल में लगे हुए हैं। पापा पापा, हाँ हाँ बेटे क्या हुआ? पापा स्कूल में, अच्छा ठीक है, अपनी मम्मी से बात कर, मैं बात नहीं कर रहा, फोन पे लगे हुए हो। बीवी कोई कम्युनिकेशन कर रही है, डाउनलाइन कोई ज्वाइंट बंदा कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, नया नंबर आते, अच्छा तेरे से मैं बाद में बात करता हूं, या फोन भी काट देते, सीधा ही बात चल रही है, वो बेचारा अपनी भावना बता रहा है, होल्ड कर दिया, सुना ही नहीं वो क्या कहना चाहता है। अवॉइड कर रहे हैं लोगों को, अवॉइड। हम डिफेंड करते हैं, किस बात का डिफेंड करते हैं? हमने कोई गलत बात बोल दी, हमें पता तो है कि ये गलत है। आपने किसी को टाइम दिया, आपने किसी को टाइम दिया 2 बजे पहुंचना है और आप 2:30 बजे पहुंचे हो,
और आप सफाई दे रहे हो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, डिफेंड करते हैं अपनी गलत बात को भी। अगर गलती से मैंने बिजनेस प्लान में कुछ गलती से कुछ बता दिया और अगर उस सामने वाले ने उसे गलत बता दिया तो डिफेंड करेंगे। आपकी कंपनी का प्लान मेरी कंपनी से बेहतर है फिर भी मैं डिफेंड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा उसके प्लान को गलत साबित करने के लिए डिफेंड करता हूं। ये करप्टेड पार्ट है, जबरदस्ती बात मनवानी है, कोशिश करनी है कि यही कंपनी सही है यही कंपनी सही है, फोर्स। अखिलेश सर आपको कोई जबरदस्ती करे अच्छा लगता है? मनीष जी आपके साथ कोई जबरदस्ती करे अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आपको मैं अवॉइड कर जाऊं अच्छा लगेगा? कभी नहीं। आपकी जेन्युइन बात को मैं डिफेंड करूं अच्छा लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, बात जेन्युइन है तो फिर। लेकिन हम तो कर ही रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आपने मेरी YouTube प्रॉफिट गुरु ओके लाइव पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जी, मैं जी। जो वीडियो बनाता हूँ इसी मैनिपुलेशन के खिलाफ बनाता हूँ। मैनिपुलेशन का मतलब है सच ना मानना ना बताना। आप तो जानते हो पर आप सच बोल नहीं रहे, कहानी सुना करके डेमो दिखा करके झूठी बात को सच कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। मैंने ये मान लिया कि मेरी कंपनी का प्लान बेहतर है तो तू कुछ भी ले आ, तेरी सुनूंगा ही नहीं। क्यों सुनूं तेरी? सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं और सुनने की एक्टिंग करने वाले व्यक्ति के साथ में। अच्छा सर मैं अगर आपकी साथ में मैनिपुलेशन करूं आपको सच को घुमा फिरा करके बताऊं कैसा लगेगा मनीष जी? नहीं नहीं अच्छा लगेगा, सच को सीधे तरीके से मैं सुनना चाहूंगा। मेरे से लोग कहते हैं, मेरे से लोग कहते हैं सर पावर लैग देनी पड़ेगी, मेरे से लोग कहते हैं पावर लैग देनी पड़ेगी जी। मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप एक महीने बाद ज्वाइन हो जाओगे वो करके आपकी पूरी टीम आपने लगा दी, मैं अब एक महीने के बाद आपके साथ आ रहा हूं, दे पाओगे क्या? बोले नहीं तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे से क्यों मांग रहे हो? मैं वहां मैनिपुलेशन भी कर सकता हूं सर। हाँ हाँ दो लैग है ना, अपने आप आएंगे तो है ही सर। मैनिपुलेशन करने वाले को रात को नींद नहीं आती और हम बहुत मैनिपुलेटिव हैं, हम सच को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे दुनिया में 100% कुछ है ही नहीं, ये भी एक मेरी ट्रेनिंग है, दुनिया में 100% कुछ है ही नहीं। सर मनीष जी आप अच्छे तीरंदाज हो, आपके सारे निशाने लगेंगे? नहीं कुछ तो चुकेंगे। और आप कमजोर निशाने हो तो एक भी नहीं लगेगा? शायद एक लग जाए दुनिया में सारे गोरे हैं? नहीं। सारे काले हैं? नहीं। दुनिया में 100% कुछ है? 100% तो कुछ भी नहीं है। कोरा सच्ची सच है क्या दुनिया में? कोरा झूठी झूठ है क्या? नहीं ऐसा भी नहीं है। हमारी कंपनी में सब कुछ ही अच्छा है क्या? नहीं। क्या दुनिया में किसी भी जगह पे इवन क्या मैं 100% अच्छा हूँ? नहीं। क्या आप 100% गंदे हो? नहीं वो भी नहीं है। क्या दुनिया में जिस आदमी से हम प्यार करते हैं वो बिल्कुल जिस आदमी से हमें नफरत हो गई उसके अंदर सब कुछ ही गंदा था? नहीं, कन्वेंस करके देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। जिससे भी कोई नफरत करता है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती ही है, भले हम उसको नजरअंदाज करते हैं अपने गुस्से में, अपनी नफरत। अच्छा दूसरा मैं क्या करते हैं, हम लोग कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं लोगों को, जबरदस्ती कन्वेंस करने का मतलब है कि मैं समझाता हूं तुझे, तू देख तू तो बेवकूफ है। जब ये कहते ना मैं तुम्हें समझाता हूं तो सामने वाला समझता तू बेवकूफ है और मैं तुझे समझाता हूं, अब सामने वाले को तुम बेवकूफ कह रहे हो, वो तुम्हारी बात भी मान ले, कन्वेंस हो जाए, ऐसा कैसे होगा? तो ये छह करप्टेड पार्ट हैं आपके सामने। आप देखिए अपने परिवार में, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने नेटवर्क में, क्या हम लोगों को करप्ट कर रहे हैं कि खुद भी करप्ट हैं कि नहीं है? और इन चीजों ये चीजें आपके साथ हों तो आपको पता लगेगा कि नहीं लगेगा? मनीष जी अगर आपको कोई बेवकूफ बना रहा हो पता नहीं लगता क्या? आइडिया लगता है क्या? आप चलो भले समझ में आएगा फिर धीरे धीरे समझ में आता है।
आप उसके मुंह पे तो चलो नहीं बोलोगे, लेकिन आपको पता तो चल जाएगा ना यार। तो ये कारण है जिसके कारण हमारी दूरियां बन गई, और हमारे साथ पता है प्रॉब्लम आती है इससे, इससे कुछ क्रिएट हो जाता है जो क्रिएट नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले हम विरोधाभास पैदा कर लेते हैं जिंदगी में, रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। हमारी जिंदगी में विरोधाभास हो जाता है, हम बोलने में भी विरोधाभास पैदा कर लेते हैं, झगड़े करने लग जाते हैं और हर बात को नई से शुरू करते हैं। सामने मैं आपको बताऊं, मैं अपने नेटवर्क को ये कह रहा था कि भैया हमें दिन रात मेहनत करके इस लॉकडाउन के अंदर हमें ट्रेनिंग करनी है, तो सामने वाला कह रहा है नहीं सर, नहीं सर, हमें रात दिन ट्रेनिंग कर रही है। अबे तुम मेरी बात का समर्थन कर रहा है और फिर नहीं से भी बोल रहा है, समझ रहे हो मनीष जी? विरोधाभास, रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, हमारी आदत हो गई है। जब आप अपनी आवाज सुनने की कोशिश करना, कितनी बार नहीं बोलते हैं, हमें लगता है कि दुनिया में हमारे अलावा कोई सही है ही नहीं, और ये मुझे ही नहीं लगता, ये दुनिया के हर इंसान को लगता है। और जब सारे सही हैं तो फिर गलती एक्सेप्ट करेगा कौन? और यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मैच होने लग रहे हैं, नेगेटिव और नेगेटिव। और इसीलिए जब चुंबक को चिपकाने की कोशिश करते हो, दूर भागते हैं। अगला काम क्या होता है, ये है हार्ट अटैक, विदहोल्ड करके बैठ जाते हैं, ना तुमने मेरी बात सुननी है ना मैंने तुम्हारी बात सुननी है, बात खत्म। ये है समस्या, ये विदहोल्ड कर दिया, अंदर भर के बैठ जाते हैं बातों को। दिमाग में क्या होने लग जाता है, दिमाग में बहुत सारी, इसे ध्यान से समझिएगा, हमारे दिमाग में जिस तरीके से इस मोबाइल के अंदर, ये देखिए क्या हो रहा है, इस मोबाइल के अंदर कितनी सारी विंडो खुली हुई हैं, ये देखो। इसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी विंडो ओपन हो जाती है, और वो विंडो ओपन होने से प्रॉब्लम ये होती है मेरे दोस्तों कि हम अंदर ही अंदर हमारे जिंदगी में मटरिंग शुरू हो जाती है। मटरिंग मतलब बड़बड़ाहट, जो रात को भी चल रही है, जो दिन को भी चल रही है। और कारण ये हो जाता है, जब बहुत सारी विंडो खुल जाती हैं, हम घर पे जाते हैं, हमारे बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और हम किसी को बात बहस करके आए हैं और वो विंडो खुली हुई है, बच्चों की हंसी जैसे ही सुनते हैं उनकी विंडो भी खुली हुई है, और वो गुस्सा, वो नफरत, वो चिड़चिड़ाहट उनकी विंडो में भी चली गई। मनीष जी, बच्चों का खेलना, बच्चों का हंसना अच्छी बात है बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, पर हमारे काम के बीच में तो वही डिस्टर्बेंस पैदा करता है, है ना? हाँ बिल्कुल, जबकि बहुत अच्छा लगता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, हम उनको कहते हैं चुप बैठ जाओ मैं काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, क्या कर रहे हो? बच्चों का बचपन छीन लिया, ये विंडो खुली हुई है कोई, वहां पे अंदर जो भरा हुआ है गुस्सा, हांडी का छो बरोली पे उतारना, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों। ये विंडो जो ओपन हो गई, उन्हें हम बंद कर ही नहीं पा रहे। एक आदमी ने मुझे नेगलेक्ट कर दिया, मेरी बात को नहीं सुना, एक बड़ा लीडर था, उस बड़े लीडर ने मेरी बात तो नहीं माना, झगड़ा। क्या कहते हैं सर, हम तो कॉल करते हैं तो सब हमसे झगड़ा करने लग जाते हैं, बड़े लीडर से कैसे बात करते हैं? अरे 100% कुछ नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है, तुम्हारी विंडो खुल गई है। तुम्हारी उस, जैसे ही तुम किसी एक शब्द, सुनना बड़े ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, इसे बोलते हैं ट्रिगर, मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, इसे बोलते हैं ट्रिगर। आप किसी बात को लेकर के गुस्सा थे, अपनी बीवी को देखते हो, बीवी आती है, खाना लगा दूं जी, नहीं अभी नहीं लेना, थोड़ी देर में खाना, अरे बोला ना नहीं लेना। अब धीरे धीरे वो गुस्सा उसकी विंडो में लिख गया, अब आप अपनी बीवी को देखते हो और गुस्सा आ रहा है, पता भी नहीं क्यों आ रहा है। बच्चों को खेलते हुए देखते हो, कोई बात नहीं थी, हंस रहे थे, खेल रहे थे, जैसे ही हंसी लगी ट्रिगर हो गया, दिमाग के विंडो के अंदर वो विंडो खुल जाती है, और क्योंकि वो मिनिमाइज है, वो बंद नहीं करी गई। हमारी जिंदगी इसलिए हैवी लोड ले रही है, हमारा ब्रेन इसलिए फटने को हो रहा है, इसलिए हम बात नहीं कर रहे, इसलिए हम होल्ड करके कि हम अपनी विंडो को क्लोज करने के लिए तैयार नहीं है, हम जीरो से शुरू करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी में करप्टेड कम्युनिकेशन ने ये सब कुछ कर दिया है। दोस्तों इस विंडो के ऊपर मेरा कम से कम 3 से 3.5 घंटे मुझे चाहिए, लेकिन मैं आपको यही समझा सकता हूं, हर आदमी का एक विंडो होता है, हर आदमी के रिलेशनशिप का एक बात का विंडो होता है, उस विंडो को जब हम ओपन करके रखेंगे तो वो दूसरी विंडो को करप्ट कर देगी, और जिसके कारण हमारी सारी विंडो करप्ट हो जाएंगी।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आज ही अभी जब मैं आपको समझाऊं तो कैसे विंडो क्लोज होगी वो भी बताऊंगा। आज आपको अपने ब्रेन में क्या कर लेना है मेरे दोस्तों, आपने ये बटन दबाना है अपने दिमाग का जैसे, और क्लोज ऑल, ये मैं तरीका आज शेयर करूंगा आपके साथ में। अगर हमारा 4 दिन का सेशन होता तो साथ के साथ कराते, लोग रोने लग जाते हैं इन चीजों को सुन करके, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कोई बताता नहीं है, हम तो सुन ही नहीं रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि विदहोल्ड करके बैठ गई, विंडो चलने लग रही है और उसके कारण कोई आता है तो अपन सुन तो रहे नहीं है। आर वी लिसनिंग? क्या हम सुन रहे हैं मनीष जी? जी वास्तव में हम सुनते हैं किसी की? हम अपने मन की ज्यादा करते हैं जी, क्योंकि पास्ट की जो विंडो खुली हुई है उससे हम प्री जज कर लेते हैं। कई दफा तो चेहरा मोरा देख करके प्री जज कर जाते हैं आदमी कैसा होगा। हाँ, exactly. तो वास्तव में हम सुन ही नहीं रहे। अभी आपको बताता हूं कि एक एग्जांपल में मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल दूं हमारा माइंड अब कहां फंस चुका है। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा मनीष जी जी, आपको बिना पैराशूट हवाई जहाज से कूदना है, कूदेंगे? नहीं कूदूंगा। क्यों भाई? पता नहीं है ना, जान चली जाएगी। पर मैंने तो ये तो पूछ लो पहले, खड़े हुए से कूदना है कि उड़ते हुए से? ये चीज सही चीज है सर। सच्ची बात ये है कि हमारी विंडो से हमारा अभी तक भी ये प्रेजेंटेशन 100% सुनी ही नहीं गई है। हाँ, नहीं, जिस तरह से हमने सवाल किया, कोई भी ऐसे ही एज्यूम करेगा कि हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूदना है, इसका मतलब आसमान से ही कूदना है। कोई ये सोचेगा तो सर बड़ा लीडर है, मेरी बात नहीं सुनेगा। एक ने नहीं सुनी तो दूसरा भी नहीं सुनेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। सर आपने पहले उड़ते हुए देखा था तो वो तो खड़ा भी रहता है, क्यों? क्योंकि हमने प्री अज्यूम हमारे माइंड ने कर लिया, करप्टेड पार्ट ने हमारे ब्रेन में वो विंडो ओपन कर रखी है। जब तक हम अपने दिमाग को विंडो को क्लोज नहीं करेंगे ना बॉस, आप कुछ कर लो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि आप जब प्लान देने जाओगे और सामने वाले ने कुछ गलतियां छांट दी तो वो गलतियां वास्तव में उस प्लान की वजह से गुस्सा नहीं आ रहा, आपके माँ बाप ने, आपके स्कूल के टीचर ने। एक छोटी सी बात बताऊंगा, शेयर करूंगा, मैं हमेशा इस प्रेजेंटेशन में शेयर करता हूं। मैं जब छोटा था मैं स्कूल से बड़ा बंक मारा करता था। एक दिन पिताजी मेरे आते हैं और पुलिस में है और उन्होंने मुझे पकड़ लिया बंक मारते हुए और बहुत पिटाई करी। उस दिन वो विंडो मेरी ओपन हो गई और पूरी जिंदगी ना मैं पुलिस में लगा ना मैं ज्यादा पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे उस विंडो में बस खीज नजर आती थी। और मैंने क्या किया साहब, मैंने पूरी जिंदगी उनसे नफरत की। क्योंकि वो विंडो बंद कैसे होगी मुझे पता नहीं। मेरे स्कूल में सिखाया नहीं गया, कहीं सिखाया नहीं गया, कोई काउंसलिंग नहीं हुई। ऐसी कितनी सारी विंडो, कितने सारे नफरत, कितनी सारी नफरत की विंडो हमारी खुली हुई है। जब मैंने ये ट्रेनिंग लिया आई वॉज क्राइंग कि एक छोटी सी विंडो ने मेरी हर कोने में, हर क्षेत्र में मेरे को नकारात्मकता प्रदान करी। आप सोचिए आपकी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी विंडो है। अरे वो विंडो जो वास्तव में करप्टेड है, उस एक विंडो की वजह से आपको सब कुछ करप्टेड नजर आ रहा है, दुनिया अंधकार में नजर आ रही है। जी घबराता है बात करते दफा, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब नफरत करते हैं और आपने जो सीख लिया वही उसके एक्सपीरियंस पे माइंड में मटरिंग चल रही है, और मटरिंग चलने की वजह से हम सुनते नहीं है। सुनते नहीं है तो थोड़ी बात सुन करके प्री जज करते हैं, प्री जज करके पास्ट के एक्सपीरियंस में जाते हैं, दिमाग में मटरिंग चलती है, हम सुनते नहीं है, प्री जज करते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस से मटरिंग चलती है, हम सुनते नहीं है, और इसी अभिमा के जाल में, इसी चक्र में फंसे हुए हम लोग न सीख पा रहे हैं, न सिखा पा रहे हैं, न प्लान दे पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, बस समझ नहीं आ रहा क्या करें। रोज ट्रेनिंग दी जाती है पर वो ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि इस माया जाल से निकलने का जो सबसे बेस है वो है कम्युनिकेशन का प्रॉपर वे। वो कैसे पता चलेगा? आज पता चलेगा, आज इस भंवर से बाहर निकलने का। और एक अपने आप से वादा करिए कि आप इस चीज को याद रखेंगे, इस चीज को आप बार बार रिमाइंड करेंगे, इस ट्रेनिंग को आप बार बार समझने की प्रयास करेंगे। प्रॉफिट गुरुओं के लाइव यूट्यूब चैनल पे भी कोशिश करेंगे इसे डालने की अगर समय मिला तो, वरना अगर अकेले सर चाहेंगे तो इसको हम बार बार, आप लोग चाहेंगे तो हम बार बार रिपीट करेंगे, और चाहेंगे तो एक एक स्लाइड की भी डेली
वैसी ट्रेनिंग दी जाएंगी जब मेरा नंबर आएगा। अब हो क्या गया, मटरिंग क्या होती है, ख्याली पुलाव बना लेते हैं। जैसे अभी मनीष जी से मैंने एग्जांपल लिया ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं जान गया हूं, ये चलता रहता है। तो ख्याली पुलाव के बेसिस पे पास्ट के एक्सपीरियंस से पास्ट की विंडो क्लोज नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करके बात कर रहे हैं और मिक्स हो रही है सारी विंडो, जिसके कारण ये हो रहा है और ये हालात है। अगर मैं इसे जूम कर पाया तो देखिए मनीष जी, जूम हुआ क्या? जी जी हो रहा है, देख रहे हैं ना? हाँ हाँ दिख रहे हैं। ये हालात है कि नहीं है? जरा ध्यान से देखिए, पास्ट के बोझ को हम फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो कभी आ ही नहीं रहे। आप सोचिए, प्रेजेंट दुनिया भर का बदल चुका है, लेकिन हम पास्ट के एक्सपीरियंस में ही रहते हैं, पास्ट में ही रहते हैं। प्रेजेंट में आएंगे नहीं तो फ्यूचर कैसे क्रिएट करेंगे? फ्यूचर तो एक कोरा कच है मेरे दोस्तों, ये सब कहा जाता है, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस को फ्यूचर में लिख देते हैं और अपने आप को सजा देते हैं। प्रीसेंट, प्रेजेंट है प्रीसेंट। आज हमारे साथ, आज हमारे हालात, हमारे बैंक में पैसा नहीं है, हमारे स्वभाव खराब है, मेरे बाल उड़ गए, ये सब कुछ आज नहीं हुआ, ये प्रीसेंट है, पास्ट है। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। पास्ट को भुलाओगे तब जा करके आगे की सुध आएगी, पर पास्ट छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। शराब बेचता था, आज दूध, सुना होगा आपने, मैंने छठी सातवीं में पढ़ी थी किताब, कि शराब बेचने वाले को जब दूध बेचने जाता है तो उस पर यकीन नहीं होता। क्यों? पास्ट को क्यों कैरी करना है यार? क्या लॉस हो जाएगा छोड़ देंगे तो? सर पास्ट के एक्सपीरियंस से सब कुछ, अरे आज भी तो सीख सकते हो। पास्ट के एक्सपीरियंस ने दिया क्या है दुख तकलीफ के अलावा? आज अपना नया जन्म मान लो ना, आज से नई चीजें सीखो ना, देखो तो ट्राई करके दोबारा से, उस आदमी को ट्राई, क्या पता आदमी सामने वाला एक दिन लड़के चला गया, सामने दिखता है, गुस्सा आने लगता, वो आपसे माफी मांगने वाला था, आपने लट उठा करके उसके तो टांगे तोड़ दी। कम्युनिकेशन तो मौका ही नहीं दिया, ये कारण है। और अपन क्या करते हैं, मेक माइंड हमारा मेकिंग मशीन बन जाता है, मीनिंग मेकिंग मशीन। हम शब्दों को सुन नहीं रहे, बस दिमाग में पिक्चर बनी और मीनिंग मेकिंग मशीन बन जाते हैं। लिसनिंग प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट लिसनिंग, वी आर अज्यूमिंग। हाँ मुझे पता है तू क्या बोलेगा, फलानी कंपनी से मैं दे, मुझे पता है क्या बोलेगा, अरे तू देख, मैं तू बोलने दे इसको, ऐसे हमने बोल दी, समझा दिया लोगों की, सुनो, जब सुनेंगे तुम सुनोगे तो वो मौका देंगे, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। हाँ तू बोल, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मन मन में कह रहा है तू बोल कमीने, मैं तेरी अभी घाल उतारूंगा यार। सुन, उसकी भावना ही नहीं सुनी, उसकी भावना लिसनिंग के वर्ड में जो उसकी भावना छुपी हुई है, हमें तो उसकी ईगो हर्ट करनी है ना, हमें तो कन्वर्जेशन जीतनी है, रिलेशन नहीं जीतना, कम्युनिकेशन जीतनी है। जो जो सिचुएशन है वो इंपॉर्टेंट है कि आदमी इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन जीतनी है, आदमी को नहीं जीतना। आज के बाद कम्युनिकेशन हार जाओ पर रिलेशनशिप जीत जाओ। अखिलेश सर ने अनाउंस किया, सोनम जी ने, अजय सर ने, सभी लोगों ने, बड़े लीडर्स ने, सभी ने, सबने अनाउंस किया है, कम्युनिकेशन हार जाओ पर रिलेशनशिप जीत जाओ। आप दोस्त कम्युनिकेशन अगर हार जाओगे ना तो रिलेशनशिप जीत जाओगे। मैंने तुम्हारी कंपनी को बुरा बता दिया और मैं उठ करके आज तो फटे चक दिए, क्या तो आई नहीं, किस लिए गए थे? हारे के जीते, हार के आए, और खुश किस बात की? अंदर तो दुख है, मुंह पे तो डाउनलाइन को बुराना लग जाए इसलिए उसे दिखा रहे हो, अंदर झांक के देखो, अंदर दुख है कि हार के आ गए, मेहनत लगी, और क्योंकि कम्युनिकेशन जीतना था कि रिलेशन जीतना था, वो ध्यान करना है। माइंड इज मीनिंग मेकिंग मशीन। आपको क्या करना होगा, आप क्या करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या आप सॉल्यूशन सुनने को तैयार हैं? एग्जैक्टली बताइए, जानते हैं राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन विद नियर एंड डियर। सबसे पहला काम यह करना है, मैं मानता हूं कि शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है कम्युनिकेशन। मुझे नहीं पता, मैं तो पहले दिन से ही बाहर वालों से हारना शुरू कर दिया था, मेरे रिलेशन बनने लगे। आज मेरे भगवान की ऐसी कृपा है कि रिलेशन सबसे है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत नहीं हो तो सबसे पहले जिससे आप रिलेशन रखना चाहते हो, जिस जो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वो मम्मी, वो पापा, वो भाई, वो बहन, वो कोई भी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आपके लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है,
तो दोस्त कम्युनिकेशन को छोड़ करके आप गिव अप कर दो यार। फर्स्ट काम आज से जो सबसे पहला करना है कम्युनिकेशन को बना करके, रिलेशन को बना के गिव अप। कंसर्न है वो, कंसर्न बड़े ध्यान से सुनना। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में एक बात कही गई है, मात्रा प्रसारस्तु रकोन्ते शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइन तांत तिक्ष व्यवहारते। इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले सुख दुख गुस्सा लाभ हानि के अनुभव ये अनित्य हैं, उत्पन्न होंगे और खत्म हो जाएंगे। कंसर्न है ये सिर्फ, ये आज है कल नहीं रहेंगे। बस इंसान के साथ आपको पूरी जिंदगी गुजारना है। आज से अगर आपको किसी ने हर्ट किया हुआ है, किसी ने कुछ भी बोला हुआ है, उसे फॉरगिव कर दो, क्योंकि उसकी वो विंडो जब तक बंद नहीं होगी, अगर है सामने तो आप उसे फोन करिए, कम्युनिकेट करिए, मेरे दोस्त मैं बहुत दिनों से आपकी एक बात को दिल में लेकर के बैठा था और आज मैं और इंतजार कर रहा था कि आप मुझे सॉरी बोलेंगे, लेकिन दोस्त आज मैं खुद अपने आप को सॉरी बोल रहा हूं कि मैंने शायद वो उसके उस तो पता भी नहीं कि तुम उसकी बात को लेकर के बैठे हो। और अगर वो जिंदा है तो उसे जरूर से जरूर फोन करिए इस मीटिंग के बाद, अपनी पुरानी सीनियर से, जो पुरानी कंपनी का आपका सीनियर है, जिससे भी आपकी कम्युनिकेशन बंद है, सबसे पहले वो कम्युनिकेशन खोलो, क्योंकि उस विंडो की वजह से तुम नई कम्युनिकेशन कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि पुराना रिलेशन खराब हो गया, डर रहे हैं कि नया रिलेशन टिकेगा कि नहीं टिकेगा। उस विंडो को फॉरगिव करो, उसे माफ करो। अगर आपसे किसी से गलती, आपने किसी के प्रति गलती करी है, तो आप उसे फोन करके माफी मांगो। आपने एक मूवी भी देखी होगी मनीष जी, वो मूवी कौन सी थी जिसमें वो बंदा जाता है और सबसे माफी मांगता है अपनी सारी गर्लफ्रेंड से, विक्की डोनर क्या था? क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। वो एक फिल्म थी ना जिसमें वो सबसे माफी मांगता है अपनी गर्लफ्रेंड से, शायद मैंने देखी नहीं है, शायद एक फिल्म है, याद नहीं आ रहा, शायद चैट में कोई बताएगा। तो आपने गिव अप कर देना है, और गिव अप करने के बाद क्या करना है? फॉरगिव, माफ करना है, और दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ करो, खुद को माफ करो यार। हम भी इंसान की औलाद हैं, हम बचपन में चैट में आ रहा है हे बेबी। हाँ हे बेबी आएगा, मुझे पता है लोग सुन रहे हैं मेरी बात को। मेरे दोस्त माफ करो अपने आप को, हम भी इंसान की औलाद हैं, हमने बचपन में जो सपने देखे थे आज तक पूरे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। जो चाहा था अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। बीवी के लिए नहीं कर पाए, कोई अपने आप को दोष मत दो। मूवी का नाम है बार बार देखें और जरूर से देखिए, वाकई में मूवी रुला देती है एकदम। हाँ सर, मूवी आई थी बार बार देखें, जो आपने बोला स्टोरी वाली ना, वो पूरी लाइफ कैसे बिताता है उसके बाद, मतलब बहुत अच्छी मूवी है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, जो रिलेशनशिप की बात है ना, तो बार बार देखें एक मूवी, जरूर देखें कटरीना कैफ की। बार बार देखो मूवी है यार, मैं वही याद आ गया। छोटी चीजें सर, हाथी ना बड़ी चीज से चींटी से चीज हाथी मरता है। हम बड़ी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, बेस तो खराब हो गया, नींव भी खराब है। तो फॉरगिव करो, लोगों को माफ कर दो और खुद को माफ करो यार, क्या हो गया, हम नहीं कर पाए, आगे कर लेंगे यार, और नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा। माफ करो खुद को, अपने आईने में देखो जाके, अपनी आंखों से आंखें कब मिला करके कहा था आई लव यू एच पी वशिष्ठ। जो आपके पास है उसको भूल करके अपने आप को शिकायत कर रहे हो, अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र, कारोबार, धन धान्य से पूर्ण घर, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी संतान, और ऐसी बढ़िया कंपनी, ऐसा बढ़िया बिजनेस कलयुग में दे दिया। अगर आप नहीं पढ़ पाए थे तो भी आज इस बिजनेस की वजह से ग्रो कर सकते हैं, पर वो तब होगा जब खुद को माफ करेंगे यार। खुद को माफ करिए, लोगों को तब माफ कर पाएंगे जब खुद को माफ कर पाएंगे। अपनी गलतियों को माफ करिए सबसे पहले, हाँ से जीरोलाइज करिए सब चीज को, माफ कर दीजिए अपने आप को। इसके ऊपर भी समय तो ज्यादा लग जाएगा, लेकिन समय हमारे पास कम। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो। माफ करने के बाद में आपको आपको आपके भाई, आपके बंधु सिगरेट बीड़ी दारू पीते हैं, लेडीज के लिए बोल रहा हूं, आप उन्हें रोज ताना मार रही हो और वो इसलिए पी करके आते हैं क्योंकि वो आपसे खफा है, वो चाहते हैं आप उससे प्यार करो, लेकिन आप उसको ताना मारते हो, जब आपको चढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप जैसा जो आदमी है उसे एक्सेप्ट कर लो, 100% हम भी सही नहीं है यार,
ऐसे दुनिया में 100% कोई भी सही नहीं है, कोई गुस्सैल है एक्सेप्ट करो, दोस्त है यार क्या हो गया, परिवार में रिश्तेदारी में डाउनलाइन है, रोज खींच रहा है, रोज मेरे को ये नहीं किया, मेरे को वो नहीं किया, नखरे कर रहा है, कोई बात नहीं यार, परिवार है, टीम है, दोस्त है ना, एक्सेप्ट करो अपने आप को। इवन ये जो दारू बीड़ी सिगरेट पीते हैं लोग बाग, ये इसलिए पीते हैं क्योंकि ये अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, माफ नहीं कर रहे, अपने आप को सजा दे रहे हैं, पता है उन्हें। और जब अपने आप से ही प्यार नहीं है तो दुनिया में फिर जीने का फायदा क्या है? हैं? और अगर मरने की बात सोचोगे तो दुनिया में आए क्यों थे? इस दुनिया को एक अच्छा सुंदर समाज प्रदान करके जाओ ना यार, इसकी एक एक कण के अंदर कितनी सुंदरता है उसे देखो यार, एक्सेप्ट करो एवरीबॉडी, सबको एक्सेप्ट कर लो, समझ रहे हैं? अगर मैं तुम्हें बदलने की कोशिश करूं, अपने मर्जी से कपड़े पहनाऊं, अपनी मर्जी से चलाऊं, अपनी मर्जी से उठाऊं, कैसा लगेगा? इसलिए एक्सेप्ट करो, अपने आप को भी एक्सेप्ट करो जैसे हो, गरीब हो। कहते संतोष, इस संतोष को लोगों ने गलत समझ लिया है। संतोष का मतलब है ग्रेटिट्यूड में आना, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड में आ जाओ, धन्यवाद ट्रिप में आ जाओ। लोगों को अभी 12 बजे सोनम जी ने एक ट्रेनिंग दी थी, वो इसी एक्सेप्टेंस और ग्रेटिट्यूड में है। आप थैंक्स बोलना शुरू करते हो, थैंक्स गिविंग देना शुरू करते हो, मोटिवेशन की वर्ड, लेकिन वो मैनिपुलेशन से बोल रहे हैं। जो ट्रेनिंग हम लेते हैं कि आप लोगों को गुड लक बोलो, ऑल दी बेस्ट बोलो, क्यों? अंदर आत्मा में तो ये है कि अरे ये भी यार है तो बोलना तो इसे आ नहीं रहा, आत्मा में गाली दे रहे हो और वैसे ऑल दी बेस्ट बोल रहे हो, वैसे गुड लक बोल रहे हो, वो भी गुड लक कोई काम का नहीं है, उसमें आत्मा नहीं पहुंची आपकी उस बात तक। तो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके स्टार्ट हियरिंग, लिसनिंग दो यार लोगों को। मनीष जी क्या आप चाहते हो मैं आपको सुनूं? जी हाँ बिल्कुल चाहते हैं। चाहते हो आप को लोग सुने? बिल्कुल चाहता हूं। तो जब सभी बोलना चाहते हैं तो सुनेगा कौन किसकी? किसी को तो चुप रहना पड़ेगा, अभी को सामने वाला बोल पाएगा। हम तो प्लान देने भी जाते हैं तब भी, अब देखना क्या छक्के मार के आऊंगा, बोलने नहीं दिया, देख लो उसको मैंने तूने उसको बोलने नहीं दिया तभी तो ज्वाइन नहीं हुआ, उसकी तुक्ति हाथ ही नहीं, तूने शेयरिंग नहीं, कंधा ही नहीं दिया उसको यार, मैनिपुलेशन करने गए थे या दोस्ती करने गए थे? प्लान देने सिर्फ गए थे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए। सर बड़े हैं नेटवर्क में, अखिलेश जी जी जी, जी बताएं, ये बिजनेस जो है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है कि नहीं है? 100% सर, जहां रिलेशंस नहीं होंगे वहां बिजनेस बिल्ड कहां कर पाएंगे आप? आपने कितनी अच्छी बात कल बताई थी कि आप एक अनजान आदमी के साथ में, ज्योति सर के साथ में आज क्या रिलेशन है आपके? यस यस यस, आज आपके जितने भी लोग पुराने, जितने भी आपकी टीम है, वो आपके साथ क्यों है पता है? क्योंकि आपने उनसे रिलेशन बनाए, उनसे मैनिपुलेशन नहीं किया यार, उनको आपने कंट्रोल नहीं किया, उनको आपने फ्री छोड़ दिया, उनको उनकी गलतियों को माफ कर देते, आपको हर्ट हो जाती है बातें, लेकिन आप फॉरगिव कर देते हो यार, छोड़ना कोई बात नहीं यार। सर मैं छोड़ बहुत ज्यादा छोड़ता हूँ मैं तो, पता है मुझे, मेरे कुछ लोग इसी से नाराज है कि इतना ज्यादा को छोड़ देते हैं, आपको एक्सेल लेना चाहिए तो छोड़ो जाने दो। सर इसीलिए तो वहां हैं आप। अब आप मुझे बताओ कि जो मैंने शेयर किया है क्या इन्हीं कारणों को आपने अपनाया कि नहीं अपनाया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या आप माफ कर देते हो कि नहीं कर देते हो? 101% सर, 101%। आप जैसा भी आपकी टीम में बंदा एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? आपकी जितनी भी डाउनलाइन आपको शिकायत करती है, फलाना चीज खराब हो गया, ढिमकाना चीज खराब हो गया, हाँ अगली बार बात करता हूँ और इतने बड़े होने के बावजूद कह देते हो यार सॉरी यार गलती हो गई, हाँ नेक्स्ट टाइम सही कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम से सही करूंगा, यही बड़प्पन होता है सर। ये कम्युनिकेशन है, ये एक्सेप्टेंस है, ये फॉरगिवनेस है। इससे इन्होंने पता है क्या क्रिएट किया है, इनसे राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन से इन्होंने एक और काम, ये सच बोल पाते हैं। सच बोलिए सर, सच बोलने से आपका फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और मैं ये बता दूं, अच्छा आपने दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखा होगा, वो कहीं भी कभी आपको मैनिपुलेटर नहीं मिलेगा, वो स्पीक ट्रुथ करता है,
वो गांधी जो बना चाहे मदर टेरेसा बनी चाहे संसार का कोई भी सक्सेसफुल आदमी है वो सच बोलता है साहब, क्योंकि उन्हें पता है कि एक टाइम के बाद जब पैसा आ जाएगा तो सच्चाई पे चलने से ही बात बनेगी। प्लान देना है और हाल चाल पूछ रहे हो। अपने चाचा ताऊ मामा फूफा नहीं जुड़ते, क्यों नहीं जुड़ते पता है? क्योंकि दोस्तों वास्तव में उनसे रिलेशन तो रहे ही नहीं, कम्युनिकेशन तो रानी, और उन्हें नहीं समझ में आता कि आज आप क्यों फोन कर रहे हो उनको। मनीष जी, जी सर, मतलब ये आदमी से संबंध रखना चाहोगे? कभी जिंदगी में नहीं, मैं तो कभी रखता भी नहीं हूँ। और चाचा ताऊ मामा फूफा जिनसे रिलेशन है, कभी होली दिवाली तीज त्योहार बर्थडे कभी कुछ किया हमने? तो वो हमसे रिलेशन क्यों रखें? वाय कभी ऐसे ही उठा करके हाल चाल जानने की कोशिश करी? होली दिवाली डाउनलाइन मतलब ही है, डाउनलाइन को तो मैसेज भेज रहे हो, कभी चाचा ताऊ मामा फूफा को भी तो बात करो। हाँ बहुत क्लोज से तो बात होती है, लेकिन हाँ बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे बात करते ही नहीं है लोग। और वहाँ आज सोशल नेटवर्किंग के जमाने में आदमी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज करके अपने आप को कृतार्थ समझता है। लेकिन क्या उससे कम्युनिकेशन हो रही है? ना ना ना, वन वे कम्युनिकेशन है वो तो। फिर तो सच बोलना पड़ेगा। और जो आप पहले ना रिलेशन बनाओ यार, फिर देखो आपके साथ में देखो नेटवर्क मार्केटिंग के पुराने जमाने में हॉट मार्केट वार मार्केट कोल्ड मार्केट समझाया जाता था ना। अरे जब रिलेशन है तो आपके साथ में आदमी वैसे ही कुछ भी करेगा, कुछ भी जहां मर्जी बोलोगे वहां करेगा। और बी रेडी टू सर्व। आपने जो या तो बोलो मत, और अगर बोल दिया तो उसे पूरा करो, या तो बोलो मत और बोलो तो पूरा करो, सर्विस में रहो लोगों की। हम झूठ बोल देते हैं, हम नकली वादा कर देते हैं सर। वर्ड्स आर वर्ड्स, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर आप से कोई पैसा मांग रहा और आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसे हाँ यार मैं बताता हूं यार देखता हूं, उसे बोल दो यार नहीं दे सकता। अब ये मत बोलना मेरे अकाउंट में पैसे तो हैं पर बेटा दूंगा नहीं तेरे को, ये नहीं बोलना। ये बोल दो कि यार मैं नहीं दे सकता, क्या कारण है वो नहीं यार अभी समझा कर, मैं नहीं दे पाऊंगा, वो अच्छा है वो कहीं और से जुगाड़ करेगा। अगर आपने जबान दी है सर 2 बजे पहुंचना है तो 2 बजे पहुंचना है। बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी डाउनलाइन टाइम से यहाँ पे 3,000 लोगों की टीम है, सर कह रहे 3,000 लोग भरने चाहिए, अभी भी 2,500 लोग से ज्यादा ही है। ये लोग लाए वो आपकी जिम्मेदारी, और बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन्होंने पैसा फूंक दिया, ये हमें रेडी है सर्व करने के लिए, अपने लोगों को ये ट्रेनिंग पहुंचाने के लिए। बी रेडी टू सर्व। अपने या तो जबान दो मत, और जबान दे दी तो कुछ भी करके। आज संतोष जी नहीं है, मैं आपको अभी लेटेस्ट बताना चाहूंगा। पिछले 5 सालों से मैं जिम चलाता था, अच्छा पैसा कमाता था, और भैया जी सुबह 6 से 11 घर, हमको 6 से 11 जिम, 4 से 9 जिम, अच्छी जिंदगी, बढ़िया जिंदगी चला रहा था, शायद एसी से बाहर नहीं निकला। अब मैं बिहार गया, आपने मेरे फोटोज भी देखे होंगे, सर मैंने जबान दे दी तो मैं बिहार था और मुझे 200 किलोमीटर जाना था झारखंड। सर बाइक चलाए 20 साल हो गए थे, बाइक पे गया वहां पैदल चला, मेरे पास फोटो है, पैरों में छाले पड़ गए। सर मैं ये बड़प्पन के लिए नहीं बता रहा, या तो जबान दो मत या उसे पूरा करो, बस एक ही बात है, या तो मना कर दो और अगर जबान दे दी ना तो सर प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। बी रेडी टू सर्व। ब्रिंग नथिंग एंड एवरीथिंग इन द कन्वर्जेशन। जब भी आप किसी से कन्वर्ज करो ये याद रखना, जीरोलाइज कर देना, उसका पास्ट कैरी करके उससे बात नहीं कर रही, उसका पास्ट की बुराइयां कैरी करके बात नहीं करनी, उसकी अच्छाइयां भी कैरी करके बात नहीं करनी, जीरोलाइज करो। अभी के अभी प्रेजेंट में रहना है, ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में जाना है। इसने ज्वाइन कर लिया तो ये होगा, ये वहां तक गए, अब जब कन्वर्जेशन में बैठे हो तो उस समय वहां रहो, उससे बात करो, कन्वर्जेशन में रहो। स्टॉप मटरिंग, दिमाग का दही मत होने दो यार, दिमाग की मटरिंग नहीं होने देनी है, वही प्रेजेंट रहना है। और साथ में एक्नॉलेज, आज 12 बजे जो ट्रेनिंग हुई थी सोनम जायसवाल जी की, उन्होंने ये आज ट्रेनिंग दी थी, एक्नॉलेज पावरफुल मैजिक 9 मैजिक वर्ड,
एक्नोलेज, सबसे पहला एक काम करो, प्रशंसा करो, लेकिन किसकी? अपनी। अपना हाथ उठाओ, शाबाश एचपी वशिष्ठ, शाबाश। अपने आप की पीठ भी तो थपथपाओ। अरे यार भाई साहब आपने तो कमारे, नहीं नहीं भाई साहब मैं तुम्हारा पढ़ा। अरे नहीं, अप्रिशिएट योर सेल्फ फर्स्ट। अभी के अभी देख रहे जितने लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी कमर को थपथपाओ, शाबाश शाबाश। हमने किया जिंदगी में बहुत कुछ, हमने जीवन में, चाहे हम बूट पॉलिश कर रहे हैं यार, लेकिन हमने किया। भीख नहीं मांग रहे, और भीख भी मांग रहे तो भूखे नहीं मर रहे। यानी वट एवर द सिचुएशन इज, जो भी दुनिया के अंदर जिस सिचुएशन में आप हो, अप्रिशिएट योर सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। मैं भगवान को सुबह सुबह धन्यवाद देता हूँ। मेरी जैसे यहाँ खुलती है, मुझे होश आता है, हे भगवान तेरा धन्यवाद, तूने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छा मित्र दिया, कारोबार धन धान्य चपूर्ण घर, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दे दिया, परमेश्वर तेरी सदा ही जय हो। आई लव माई सेल्फ। मैं जानवर बन के पैदा हो सकता था, मैं पेड़ बन के पैदा हो सकता था यार, मैं रात को मर सकता था, मैं इस क्षण मर सकता था। आप देखते हैं ना मैं क्यों खुश रहता हूँ, बिकॉज आई लव दिस वर्ल्ड यार। आई लव माई सेल्फ। मुझे भूखा नहीं मतलब, मुझे प्यास से मतलब नहीं है। आई लव माई सेल्फ। इस मोमेंट में मैं जिंदा हूं। आई एम प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। पर लोग प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं होते, वो पास्ट में होते हैं। वो प्रेजेंट और फ्यूचर में कभी जा ही नहीं पाते। लिव इन प्रेजेंट, प्लान करो फ्यूचर के लिए, पर लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि काम तो प्रेजेंट में होगा। सर पास्ट को बदला जा सकता है क्या मनीष जी? कभी नहीं बदल सकते। तो जब पास्ट को बदला नहीं जा सकता, फ्यूचर कहां से क्रिएट होगा? फ्यूचर में जाके होगा, प्रेजेंट में काम करना होगा, तब फ्यूचर क्रिएट होगा। तो हमें पास्ट को कैरी नहीं करना, हमें प्रेजेंट में जीना है। आज हम जिस काम को कर रहे हैं, जिस कंपनी में आ गए हैं, बुरी बातों को तकलीफ, हमने 4 साल पुरानी कंपनी में काम किया, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, छोड़ दो, भूल जाओ, कोई बात नहीं। आप एक्नोलेज करो अपने आप को, प्रशंसा करो, और दूसरों की भी प्रशंसा करो, दूसरों की भी प्रशंसा करो। जैसे हम अच्छे नहीं है और हम भी बुरे भी नहीं है, ना गलत है ना सही, दुनिया में सही गलत तो कुछ है ही नहीं। 6 और 9 वाला देखा है ना मनीष जी? वो जो 6 और 9 वाला जो दृष्टिकोण है, वापिस इसी स्टेज पे आता हूँ मैं, आपको एक फोटो दिखाऊंगा। किस एंगल से देखते हैं वो पता चलता है। हाँ वो एंगल अभी आगे आगे उसमें दिखाऊंगा, बस खत्म होने वाली है ट्रेनिंग। एक्नोलिज करिए और क्या क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं, फिर से दिखा रहा हूँ। फॉरगिव करिए नंबर वन, गिव अप करिए नंबर वन, फॉरगिव गिव अवे जाने दो, माफ करो, एक्सेप्टेंस स्टार्ट हियरिंग, और साब ये इनको नोट करिए, सच बोलिए, बी रेडी रहिए सर्व करने के लिए, जो जबान दे दी वो दे दी, और जीरो लाइज करके बात करना शुरू करिए, और एक्नोलेज करिए, अप्रिशिएट करिए लोगों को और अपने आप को, एवरी डे अप्रिशिएट करिए। हम यहाँ तक पहुंच पाए इसी के कारण। इससे क्या क्रिएट होगा, हम इससे क्या स्टेट होगा, हम फोर्सिंग बंद कर देंगे, हम हेयरिंग, हम शेयरिंग शुरू कर देंगे, हम अब कन्विंस करना शुरू नहीं करेंगे, हम क्या करना शुरू करेंगे, हम शेयरिंग शुरू करेंगे। मैं अपने विचार रख सकता हूं, मैं कोई भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको किसी तरीके फोर्स करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपने विचार आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी भावना आपको बताना चाहता हूं। आप करिए नहीं करिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी भावना का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि साहब अगर सामने वाले भी तो गलत नहीं है और मैं भी गलत नहीं हूं। फील फेल्ट फाउंड मेथड सब देखा होगा आपने, वो मेथड यही बताता है कि शेयरिंग करिए, बताइए मत, उसकी भी सुनिए, अपनी भी कहिए, और जो सही होगा वो अपने आप मान लिया जाएगा। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इससे आ जाएगी, ईमानदारी, जो बोला पूरा करो, सच बोलो, जो बोल दिया वो पूरा करो, बात खत्म। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग या टीम मैनेजमेंट को सिर्फ इतना ही समझ पाया हूं, अगर आपने कुछ बोला है तो पूरा करो या बोलो मत। आपने मैनिपुलेट किया नहीं, सच बोला है। सर 7,000-8,000 लोगों की टीम बन गई है, और आप यकीन करना आज तक इन 8,000 के लोगों में से एक सिंगल आदमी ने मेरे से पावर लैग के बारे में कोई बात नहीं करी है। हाँ बातें हुई, पर जब मैंने उन्हें अपने इंटीग्रिटी, ईमानदारी, सच बताया, उन्होंने शुरू किया।
सर आत्मा से सच बोलना शुरू करिए, जो सही है। बिजनेस प्लान 2 लाख का है, 2 लाख का प्लान है तो 2 लाख आप ही को चलानी है, ऊपर से जो आएगी उसे कृपा मानिए। पर जो बोल दिया, इंटेग्रिटी को कभी खत्म मत करिए। जबान दे दी तो प्राण जाए पर जबान नहीं जानी चाहिए, ये सीख जाएंगे हम और रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आप टीम में पैसा नहीं आ रहा, आपका चेक नहीं बढ़ रहा, तो आपकी डाउनलाइन की गलती नहीं है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने तो सर बुलाया था सबको, सबने ज्वाइन नहीं किया, सर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शायद आप कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर रहे, आपने बताया होगा, शेयरिंग नहीं करी होगी, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुई होगी, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लास्ट बने कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया, बी काइंड टू एवरीवन, और सबसे पहले काइंड अपने लिए बनो, दयालु भैया, फ्लैक्स ऑयल नहीं खाना पड़ेगा, अपने ऊपर दया करो, दीनम प्रति दया करो, अपने आप को दीन जान करके दया करो, गुस्से को छोड़ दो, कोई बात नहीं जो हो गया जाने दो। जेनरोसिटी सबसे पहले खुद पे अप्लाई करो, फिर दूसरों के बारे में सोचना, ये सब कुछ पहले खुद पे अप्लाई करो। अगर एक बात बताइए मनीष जी, हाँ जी सर, अगर मैं सच बोलने वाला लगूं आपको, मैं ईमानदार हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं दयालुता दिखाऊं, मेरी बात आप सुनोगे नहीं सुनोगे? मैं बिल्कुल सुनूंगा। अगर मैंने ये फील किया आप जो चीज कह रहे हो, सच बोल रहे हो, दयालुता है, ईमानदारी है, तो बिल्कुल सुनूंगा। सर क्या मुझे आपको कंट्रोल में करना पड़ेगा या मेरे प्रेम में आप आ जाओगे अपने आप ही? नहीं, कभी कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने कभी किसी को कंट्रोल किया था? नहीं, नहीं, प्रेम से लोग उनके पीछे जाते थे। हाँ अच्छा, ये तो लेटेस्ट है, आजाद जी चंद्रशेखर बताते हैं, विदेश में गए थे तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जी तुम्हारा बांसुरी बजा के कैसे गायों को बुला लेता था, तो भाषण दे करके 2 किलोमीटर तक गए उनके पीछे लोग। तो सर अगर हम ईमानदार हैं तो सर हमें कंट्रोल हो जाएंगे अपने आप ही, हमें करना पड़ेगा? हो जाएंगे सर। जो लोग हमसे प्यार करेंगे हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव ईमानदारी होने चाहिए अंदर से, तो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। हाँ, और एक बात, ये जीवन एक गेम है, इसे गेम की तरह खेलिए, और गेम भी फ्रेंडली गेम है। प्लान देने जाते हो, गेम है यार, दोस्त है वो भी हमारा, वो उसने बोल फेंकी अपन आउट हो गए, कोई बात नहीं यार, अगले गेम में हम जीत जाएंगे, क्यों मनीष जी? जी बिल्कुल भाई, गेम खेल रहे हैं दोनों भाई, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ऐसे अपन प्लान खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, कभी आप जीतोगे कभी मैं जीत जाऊंगा, इसमें क्या रोना धोना है, किस बात का डर है? क्या खो जाएगा जिंदगी में? जो समय आया एक दूसरे से बोल बतला लिए से बेहतर कुछ हो जाएगा क्या? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्वाइन कर जाएगा आपके साथ। बिल्कुल हाँ, बताएं मनीष जी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, आपकी इस बात से एक बात याद आ रही है, अभी 4-5 दिन पहले सागर जी भी जो ट्रेनिंग साइकोलॉजी पे ले रहे थे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो यही बात तो कह रहे, जैसे आप कह रहे ना कि हम कहीं किसी को प्लान दिखाने बैठते हैं तो जैसे उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं कि नहीं तू मेरी सुन, और लोग बड़ा खुश भी होते हैं, अरे देख आज उसको बोलने का मौका नहीं दिया, कहीं ना कहीं आप उसको खो देते हो। एग्जैक्टली, सामने वाले को खाली करना है। तो सागर जी भी जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे एक ट्रेनिंग दे रहे थे, उसमें एग्जैक्टली वो पॉइंट आपकी ट्रेनिंग में एक पॉइंट मैच कर रहा है कि सामने वाले को खाली करो, सुनो उसको, तभी तो रिलेशन बिल्ट होगा। पर मैं ये कह रहा हूँ, मैं उससे अगली बात कह रहा हूँ कि पहले खुद को खाली करो, खुद को खाली करो, हम भी तो भरे बैठे हैं, जब तक हम खाली नहीं होंगे उसकी कहां से सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी तो खाली होने चाहिए, तभी तो उसकी भावना को समझ के करेंगे। तो एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो चीज आपने समझी है इसे प्रैक्टिस करते रहिए, वरना शैतान वाली कम्युनिकेशन अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो 20 साल से सीख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करते रहने पड़ेगी, तब जा करके आएंगे। और थैंक यू कह सकता हूँ, ये वैसे स्लाइड सबको बड़ी अच्छी लगती है, और मैं सिर्फ एक ही अप्रिशिएशन का वर्ड बोल सकता हूँ, विश यू सक्सेस, आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी।
और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रॉफिट गुरुओं के लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मनीष जी, जो मैं आपको बता रहा था कि नोबडी इज रॉन्ग, आपको इसमें क्या दिखता है मनीष जी? व्हाट इज दिस? मुझे दिखता है कि कोई व्यक्ति है सामने की तरफ देख रहा है। जवान है, बूढ़ा है? जवान लग रहा है, ऊपर से कुछ स्कार्फ वगैरह पहना हुआ है उसने। अब इसमें किसी व्यक्ति को बुढ़िया दिख रही होगी, किसी व्यक्ति को जवान लड़की दिखाई दे रही होगी, और वो दोनों अब झगड़ा कर सकते हैं कि नहीं इसमें ये है, नहीं इसमें ये है, वास्तव में इसमें दोनों ही है। अगर ये लड़की देखना चाहते हो, ये वाली, पता नहीं मेरा ये काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरा ये माउस शायद काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर सफलता पानी है, जीवन में अगर सक्सेस पानी है, तो साफ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाइए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाइए, और इट विल टेक टाइम, इट कैन टेक टाइम। जल्दी मत करिए, किसी को सिर्फ मतलबी दोस्त मत बनाइए। मैं वादा करता हूं आने वाले 6 महीने के अंदर, आने वाले 6 महीने के अंदर अगर आपने रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन पे काम कर लिया, तो जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि सभी पैनलिस्ट अपने अपने विचार कृपया करके रखें। और मैं आपकी इस बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ वशिष जी। जी सर, ये इस बात को प्रैक्टिकली लाइफ में मैंने किया है कि दिल से जो रिश्ता होता है ना, और हमारे बिजनेस का में जो रिश्ता अगर खोखला होगा ना, अगर मतलबी होगा, तो बड़ा नहीं काम नहीं हो पाएगा। तो हमारा बिजनेस रिलेशन का है, और वो बिजनेस और रिलेशन अगर वो दिल से नहीं रखेंगे ना, आत्मा से नहीं रखेंगे, तो बड़ा काम हम कर नहीं सकते, लोगों से जुड़ नहीं सकते। ये तो गहरी सच्चाई है, गहरी सच्चाई है। अखिलेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इतने लंबे टाइम से हम काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग में, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे साथ तो बहुत लंबे लंबे लोग चीटिंग भी किए हैं इन टर्म्स ऑफ पैसा, बहुत सारी चीज़ों के केस में, और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी। उसके बावजूद भी मेरा एक ही सीन रहा है कि छोड़ो यार, जाने दो, उसका किस्मत वो जाने, भगवान देखते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि फॉरगिवनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है हमारे फील्ड का, कि कोई क्या बोला उसे नहीं फर्क पड़ता, बस उसको फॉलोअप करते रहो। आज को रिजेक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल वो आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, नरसों आएगा, आएगा जरूर। क्योंकि एक्चुअली जिस दिन आप किसी से मिलते हो, तो आपको वॉच करना शुरू कर देता है जाने अनजाने, और जिस दिन उसका फेथ आपको डेवलप हो जाएगा ना, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। शायद यही रीजन था कि जब मैंने डिसीजन लिया था कि नहीं, मुझे अभी ओके लाइफ स्टार्ट करनी है। हालांकि सोनम ने भी कई सारे प्लान देखी थी, और 2-3 लीडरों को मेरे साथ मेरे घर पे लेके आई थी, 2-3 दूसरी कंपनियों के लिए, और जो लोग जिनको लेके आई थी, वो सभी लोग ज्वाइन करके हमारे साथ बाद में फिर ओके लाइफ में। क्योंकि हम लोग प्लान खोज रहे थे, तो ये सोनम कुछ और प्लान देख रही है, मैं कुछ और देख रहा हूँ, मनीष भी कुछ और देख रहे हैं, प्रीति कुछ और देख रही है, जो हमारे को टीम थोड़ा ध्रुव कुछ और देख रहे हैं, यार कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है अपनी को। तो उस दौरान सोनम मेरे घर में भी कुछ लोग लेके आई थी, जैसे भी मैं भी सुरेंद्र हूँ इस मीटिंग में, तो सुरेंद्र जैसे अप्रूव थे कोई कंपनी के मेन लीडर्स को, अगर उनसे चर्चा हो जाएगी तो उनकी भी बातें सुन करके लोग, और वो अपनी राय थोड़ी सी रखेंगे, तो ट्रेनिंग का जो रसार है, वो लीडर्स अगर बड़े बड़े हैं अवेलेबल, अजय सर हैं और झा सर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सिचुएशन रही, इसी से करते 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 यहाँ तक सफर पहुंचा है। मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए पार्ट तो यही होती है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है। यदि लोग लगे रहते हैं तो चीजें हो जाती हैं, नहीं लगे रहेंगे चीजें नहीं होगी। जब आप माफ करना आता है तो अच्छी बात है, माफ करना नहीं आता तो अभी थोड़ी सी सर माफ नहीं करते तो आप इतने हैप्पीली और इतने अच्छी तरीके से काम कर पाते? इम्पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम लोग तो मेरा खत्म ही हो गया था रिलेशन, है ना। देखिए एक बात समझिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पूरा साफ और पाक है। तो छोटे किसी के पास छोटा चोर है, किसी के पास बड़ा चोर है, कोई डकैत है, कोई चोर है, कोई पॉकेट मार है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो शरारत सबके अंदर है। तो उस शरारत को नजरअंदाज करके ही चलना पड़ता है, राइट। यदि उन शरारत को लेकर हम चलेंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसा बेस्ट नहीं मिलता, है ना, बेस्ट नहीं मिलता। आपको जो मिला है बस उसे ठोक बजा के उसी को एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ हाँ, वही तो, बीवी है, बच्चा है, लीडर है, सीनियर है, मेरा सीनियर टाइम से नहीं आता, मुझे एक्सेप्ट करना होगा उसे। डेफिनेटली डेफिनेटली।
शिकायत मत करिए आई लव यू सीरियसली आई लव यू सर मैंने पहले भी फोन पे बोला आई लव यू टू ब्रदर आई लव माय लाइफ आई लव माय फ्रेंड्स माय टीम यहां तक जो पहुंचा हूं कृष्णपाल हमारे साथ में है मेरे साथ ही है मैं चाहूंगा वो भी दो शब्द जरूर रखें फिर उसके बाद हम मीटिंग फिनिश करेंगे जी सर नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग सर बहुत बढ़िया रहा आज का बहुत ही बढ़िया सेशन रहा है आपका जैसा कि मैं स्टार्टिंग से आपको देखता आ रहा हूं तो इम्प्रूवमेंट तो आपके अंदर जबरदस्त रहती है हर चीज के लिए प्रिपरेशन पहले करके रखते हैं और जो चीजें आज आपने सिखाई बहुत कुछ चेंज हुआ उससे लाइफ में और भी बहुत कुछ चेंज होगा जो सिखाते आ रहे हो तो है ही है और साथ के साथ नई चीजें बहुत कुछ सीखने को मिलती है मैं ये देख रहा हूँ जहाँ मेरा जैसा आदमी जो आपके साथ ऑलमोस्ट साथ ही रहता है उसको अगर आपकी हर मीटिंग में कुछ सीखने को मिल रहा है तो जो फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग में मैसेज भी देख रहा था काफी मैसेज आए हुए थे सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आपकी मीटिंग में और बहुत ही अच्छा मुझे फील हो रहा है और किसी ने डाला हुआ कि मैंने आज अपने आप को सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव किया है बहुत बढ़िया ये चीजें देखो मैं जैसा आपसे साथ रहा हूँ और मुझे पता भी है तो ये चीजें सिर्फ ये नहीं कि नेटवर्किंग में हमारे काम आने वाली है ये हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करती है हमारे साथ में सर अभी किसी ने लिखा है चैट में मैंने भी किसी को बात के भरोसे करके उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करी थी प्रॉब्लम के टाइम में और नाउ वो मुझे धोखा दे दिया है पैसे नहीं दिया उसने बट अब मुझे लगता है कि उसको फिर से मुझे फॉरगिव करना चाहिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नाम तो ले नहीं सकता मैं एक टाइम में इतना पैसे से मतलब बहुत ज़्यादा तंगी में था कि एक कंपनी मुझे करनी थी नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कभी उसका किसी साथ बोला नहीं है बस आइडिया दे रहा हूँ आप लोग को तो वो दौर था कि मैंने किसी के साथ में मैं कंपनी ज्वाइन करनी थी और कंपनी मेरी आईडी के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास में तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई तू भी कर दोस्त को बोला यार मेरे पास भी पैसे नहीं है लेकिन हम पार्टनरशिप में काम करेंगे तो दोस्त ने तीसरे पार्टनर को खोजा तीसरे पार्टनर ने करीब 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 1,00,000 रुपए लगा के आईडी लगा दी शर्त ये थी कि तीसरा भी पार्टनर रहेगा तो कोई बात नहीं भाई एक व्यक्ति जो व्यक्ति पैसा लगाया वो भी पार्टनर बन गया आईडी पे और हमने काम शुरू की और बड़े आराम से हमें महीने के 10-12 लाख 15 लाख महीने की इनकम आने शुरू हो गया और जो तीसरा वाला बंदा था उसने कुछ छेड़खानी की और आईडी को कब्जे में ले लिया एक तरीके से लगभग फिर भी 70-80 लाख की इनकम आई थी उस आईडी पे और जो मुझे मिली थी मुश्किल से 5-6 लाख रुपए मुश्किल से और तो मैंने उस दिन बाद में बस उसको एक ही बात बोली थी कि भाई तुमने चीटिंग करके बस अखिलेश को खोया है पैसे में भी आएगा तुमने मुझे खोया है बिलीव मी कभी जिंदगी में आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता लेकिन मैंने रिलेशन नहीं ब्रेक किया जबकि वहां 70-80 लाख का मामला था ध्यान देना यदि मेरी तीन पार्टनर मानूं तो मेरे हिस्से कम से कम भी आता तो 25-30 लाख मेरे हिस्से यानी 25-30 लाख मेरा गया था बट मैंने रिलेशन ब्रेक नहीं किया फिर बाद में फिर उन्हीं लोग के थ्रू हमारी टीम में फिर डाउनलाइन में आकर उन लोगों ने हमारे साथ में काम किया मेरे प्रॉफिट्स आए तो जितना गया था उसे मेरा निकल गया उन्होंने मेरे साथ काम किया लेकिन आज भी मैं डेडिकेशन को कभी भी जिंदगी में उनके साथ काम नहीं कर सकता यदि हो सकता है एक ही कंपनी में जाना हो मुझे तो मैं उस व्यक्ति की टीम में नहीं जाऊंगा किसी और की टीम में चला जाऊंगा उनके साथ नहीं जाऊंगा कभी धंधा नहीं करेंगे भाई तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं ब्रेक करूंगा रिलेशन नहीं बिगाड़ूंगा दोस्ती पक्की है भाई लेकिन तेरे साथ कमर्शियल बिजनेस नहीं कर सकता हंसी मजाक होगा बातचीत होता है सब कुछ होगा खींचना एक दूसरे को होगा बस धंधा छोड़ के वो नहीं होगा आपके साथ बस ये नहीं करेंगे उसके साथ यस यस अखिलेश जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर मॉर्निंग आज सर गुड मॉर्निंग वसी जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ सर बहुत अच्छा सर हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो थैंक यू बहुत बढ़िया आज की आपकी ट्रेनिंग रही है सर आप ही का प्यार है नो डाउट कि देखिए हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है हम लोगों में भी कुछ ना कुछ कमियां है और लेकिन हम लोग अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते ना वो अभी आपने एक बात बोली कि हर आदमी अपने आप को परफेक्ट ज्यादा समझता है तो आज की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को भी मिला और यहाँ पे मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा मेरे घर में एक डॉगी है ना कई बार क्या होता है उसे में हम डांट देते हैं अगर वो गलती करता है कई बार इतना बुरी तरीके से भी डांटना पड़ जाता है उसको तो वो 2 मिनट के लिए प्यार से जाके मतलब कोने में डर के दुबक के बैठ जाता है तो डॉगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन जैसे ही मैं उसका नाम लेता हूँ मैक्स कम वो इतना खुश होकर पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है तो मैं कहता हूँ यार अगर ऐसे ही मैंने अपनी वाइफ को डांटा होता या अपने किसी फ्रेंड को डांटा होता या किसी ने मुझे डांटा होता तो हम कई कई दिन कई कई महीने बात नहीं करते सर सर यही तो फॉरगिवनेस है ना हाँ तो उस जानवर से हम सीख सकते हैं मतलब मैं बहुत कुछ सीखता हूँ मेरे अंदर बहुत गुस्सा था लेकिन वाकई आप सही बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के आने के बाद मेरा गुस्सा जो है बड़ा शांत हुआ है बाकी वो बात अलग है जैसे आप
गलत के बारे में जवाब देते हैं तो कुछ जवाब देना मेरा भी बन जाता है, तो मैं भी कई बार जवाब दे देता हूँ, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा किसी से ना। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही सर आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही वशिष जी। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक था ना, ये टॉपिक डेढ़ घंटे वाला नहीं है, एक घंटे वाला टॉपिक नहीं है ये। वही तो है ना, टॉपिक को समय चाहिए। और मुझे लगता है अखिलेश जी, अगर दिन में कोई 3 बजे वाला सेशन हम स्किप करके, अगर कोई एक टाइम डिसाइड कर लें कि 3 बजे का सेशन कर लें, 4 बजे कर लें, और 3 घंटा जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो आने में, तो इस सेशन को थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए। सर इससे मैं तो हमेशा, आज भी मैंने खूब प्रमोट किया कि भाई अपने फैमिली पर, क्योंकि लोगों को पता नहीं ना कि बात क्या होने वाली है। लोगों को लगता है कि नेटवर्कर है तो सिर्फ नेटवर्किंग की और अपनी कंपनी की बात करेंगे। सर वही चीज यहाँ मैं सब लोगों को, जितने भी लोग आज इस लाइव के अंदर हैं, मैं अभी फेसबुक लाइव पे भी गया था अभी इससे पहले, मैं 5 बजे मेरी मीटिंग थी, मैं सब लोगों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्री जज ना करें। हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अखिलेश जी को क्या जरूरत है भाई इस मीटिंग में आके बैठने की। अखिलेश जी ने इतनी बढ़िया बात बोली थी अभी 2 दिन पहले कि मैं बार बार मार्केटिंग प्लान लोगों का इसलिए देखता हूँ क्योंकि हर किसी का प्लान दिखाने का तरीका अलग है। हाँ। और एक तरीका हो सकता है मैं कहीं गलत कर रहा हूँ और सामने वाले का कोई तरीका मुझे अच्छा लग जाए और उससे मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। तो मेरा मानना यह, जो भी चीज आपने बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में जो 3-4 दिन की ट्रेनिंग थी वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई और बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझ में भी आई होगी। ये जो एज ए ट्रेनर या एज ए नेटवर्कर जो मुझे समझ में आ रहा है, जिस भाषा शैली का आपने इस्तेमाल किया या जितने साधारण तरीके से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए आपने मीटिंग को दिया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी तरह लोगों को समझ में आया। थैंक यू सर। मेरा सौभाग्य है क्योंकि आप जैसे लोग, बड़े लीडर्स को अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि मुझे इतना पता है अगर मेरे ब्रदर्स को समझ में आ रहा है ना, तो वो अपने परिवार, अपने नेटवर्क में और सारा हम मिल करके एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसके अंदर झूठ, द्वेष भावना जब, यहाँ बिल्कुल, यहाँ एक चीज मैं और जरूर आपको बोलना चाहूंगा जो सभी लोगों के लिए मैसेज होगा कि वशिष्ठ साहब ने स्टार्टिंग करते समय एक बात बोली थी कि ये ट्रेनिंग जो है 2 लाख रुपए की ट्रेनिंग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने भी सुना उसको, है ना। तो एक जो अच्छी चीज जो आज वशिष्ठ जी से हम सीख सकते हैं, जो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कि आप सीखे कहीं से भी लेकिन स्टाइल आपका अपना होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी का जो एक्चुअल में स्टाइल है उसी स्टाइल से बोला है इन्होंने, उस शायद स्पीकर को या किसी को भी कॉपी करने की कोशिश नहीं की है, और वही कारण है कि आप सही तरीके से सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर आप उस चीज को अपने स्टाइल में बहुत साधारण तरीके से बोलेंगे, तो आपका बोलने का तरीका बहुत बढ़िया लगा सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं यही है, हमसे सीखो आप लोग जितने भी देख रहे हो, अजय सर को सुनो, हमें सुनो और अपनी शैली बनाओ यार, ढोंगबाजी नहीं। वशिष जी ऐसे बोलते हैं, अजय सर ऐसे बोलते हैं और हमारे मेंटर अखिलेश जी ऐसे बोलते हैं, सोनम जी ऐसे ऐसे ही बोलेंगे, नहीं, अपने अपनी आत्मा से शब्दों को निकालो यार। एग्जैक्टली। तो ओवर टू अखिलेश सर। अखिलेश जी, सर थैंक यू सो मच आज की ट्रेनिंग के लिए, और बहुत 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 सॉलिड सेशन रहा और हम प्रयास करेंगे कि इस सेशन को आगे हम फिर से कंटिन्यू करें बड़े लेवल पे। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, ऑब्वियसली हमारे रेजिडेंशियल जो प्लानिंग है ना 3-3 दिन का, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है एसपी भारिल का फैमिली रीयूनियन, हालांकि वो एमबे में किया करते थे और उसको फिर उन्होंने खोज के फिर लेके उसको वेस्टिज में अप्लाई किया, तो हमने कम पढ़ हम लोग इस तरह से कुछ मिलकर जो सारे सीनियर लीडर्स हैं हम लोग मिलकर कुछ ऐसे प्लान करेंगे 3 दिन का प्रोग्राम, जहाँ पे ऑब्वियसली सारे लीडर्स का जब 2-2 घंटे का सेशन मिलेगा वहाँ पे ना, फैमिली आएंगी वो आएंगे, तो उसका एक अलग माहौल बनेगा सीखने और सिखाने का। जीवन जीते हैं अच्छे से। डेफिनेटली जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो हम लोग कोर ग्रुप के जो टीम होंगे एक बार बैठेंगे, बैठ के डिसन करेंगे और बनाएंगे जिस तरह से और प्रॉपर ट्रेनिंग हम ले जा सकें। बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग है अजय जी, आप भी जानते हैं कि उन ट्रेनिंग को बिना उसके टूल्स के हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ टूल, कुछ होमवर्क होते हैं, यदि वो हम उसको ऐड कर देंगे तो उस ट्रेनिंग में जान आ जाएगी। मुझे याद है कि मैं इसके पहले मैं 7 दिन का मैंने कुछ एक ट्रेनिंग कोर्स चलाया था अपना, आज के लगभग 3 साल पहले मेरी 7 ट्रेनिंग थी कि कोई 0 वाला आदमी आया बल्कि बकायदा, और मैं 5,000 रुपये उसका हालांकि चार्ज रखा था मैंने, तो 5,000 का चार्ज मैंने क्यों रखा था, बिकॉज की लगभग पर डे का मालूम मोटी मोटा 500 रुपये रोज का था वो उसका मेस का खर्चा। अपनी ऑफिस में सिखाता था। अब मैं ये कि ये जो पीजी लोग होते हैं ना, पीजी 200-300 पीजी मिल जाती है, तो 300 पर डे की पीजी मिल जाती थी, तो मैं कहा सात्री के 2100 रुपये ये चला गया, तो वो उसमें इंक्लूडेड था, खाना पीना रहना इंक्लूडेड था कि किसी भी सिटीज को ही आए,
हाँ तो 2500 उनका खर्चा आता था, और साथ में हर मीटिंग में 300 प्लस के मैं टूल्स दिया करता था, 300 मतलब होमवर्क हो गए, और उस समय हमारे पास डिजाइन थे टूल्स। तो वो जो ट्रेनिंग करके गए हैं, अभी आज मेरे टीम में भी कुछ लड़के ज्वाइन किए जिनको मैं नहीं जानता, तो जो वो ट्रेनिंग ज्वाइन करके गए थे वो लड़के कहीं सेट हैं, और उन लोगों के दोस्त लोग आके हमारे टीम में बॉटम में ज्वाइन किए हैं, कोई लखनऊ से कोई कहीं से बता रहे सर इस ट्रेनिंग को हमने लिया था, मैं किसके थ्रू बोला उसने के थ्रू, तो जिन लोगों ने लेके गए थे वो ट्रेनिंग दिए थे, आप इमेजिन करना जबकि बेसिक ट्रेनिंग थी, यानी कि जो ट्रेनिंग हमने किया बिना टूल्स के और जो ट्रेनिंग हमने किया टूल्स के साथ में, तो रिजल्ट हमेशा टूल्स के साथ एक्स्ट्रा आता है। जैसे कि आप इमेजिन करो कि मान लो 2000-2500 लोग करेक्ट हुए, तो 2000-2500 लोगों से ज्यादा की कैपेसिटी होनी चाहिए थी। हम बोले चलो 250 लोग 300 लोग मोटी मोटा कनेक्ट हो जाते हैं यूट्यूब पे एक साथ, जैसे अभी भी हमारे साथ यूट्यूब पे हैं कनेक्ट काफी लोग, है ना, तो यूट्यूब पे कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो सारे आंकड़ों को मिला लें, सारे आंकड़ों को मिला लें तो बड़े आराम से एक बेटर हम प्रयास करके एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग कर सकते हैं जो सारे सीनियर लीडर मिलकर करेंगे, तो जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आने वाला मुझे पता करके गए अभी आज मेरे टीम में तो इस मीटिंग को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं ये बोलते हुए। कल की शाम की जो मीटिंग है वो इंग्लिश में होने वाली है, जरूरी है कि, है ना, प्लान और प्रोडक्ट की और लीडरशिप ट्रेनिंग इंग्लिश की। देखिए वीकली एक हम करेंगे, अभी मैंने डिसाइड किया कि हफ्ते में एक ट्रेनिंग हम अंग्रेजी में स्टार्ट करेंगे, प्लान भी अंग्रेजी में होगा और रात की ट्रेनिंग भी जो भी कोई टॉपिक हो अंग्रेजी में होगा। मुंबई से हमारे एक बहुत ही अच्छे लीडर ट्रेनिंग लेने वाले हैं कल का, और शाम को साफ जो ऑब्वियसली इंग्लिश में होगी, तो जो लोग हिंदी इंग्लिश नहीं समझते उनको कल रहने की जरूरत नहीं है, और बल्कि जो लोग आपके परिचय में कोई ऐसी टीम है जो बाहर से है ऐसी जगहों से जहाँ पे उनको हिंदी नहीं समझ में आती उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आसाम हो गया या फिर जो इंग्लिश समझ सकते हैं, इनफैक्ट बेंगलोर वाली सारी टीम इंग्लिश ही समझती है जी, बेंगलोर से या कहीं से भी, तो कल का हम प्रयास करेंगे जो कल दोपहर में बिजनेस प्लान दिखाया जाएगा वो भी अंग्रेजी में होगा, और कल रात की जो ट्रेनिंग या जो मीटिंग होगी वो भी इंग्लिश में ही होगी, जो सप्लीमेंट्स और कुछ कम्युनिकेशन पे ही बात होने वाली है, उसका पोस्टर दोस्तों आपको रात को मिल जाएगा आप लोग को, जिसकी वजह से आप लोग की ट्रेनिंग इम्पैक्ट हो सके, तो मतलब बेटर हो सके। तो ले देखे मंडे हम ऐसा डेट रखना चाह रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन चलेगा एटलीस्ट मंडे की ट्रेनिंग हम इंग्लिश में प्रमोट करेंगे सुबह और शाम होने वाली। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, किसी और का कोई ओपिनियन है जो पैनलिस्ट हैं तो बताएं, जैसे अभी यहाँ पे सब लोग बोल चुके हैं, पैनलिस्ट में एक नेहा जी हैं, नेहा जी सुन पा रही मुझे आप? बिल्कुल सुन पा रही हूँ सर, मैं अपना रिव्यू शेयर करना चाहूंगी एचपी वशिष सर से, इट वाज वंडरफुल ट्रेनिंग, और मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं है, हमारी लाइफ के लिए यूजफुल है, बिकॉज लाइफ में सबसे पहले सक्सेसफुल होने के लिए हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, तो अगर इतना पैसा कमा के भी हैप्पीनेस नहीं आई तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो मुझे लगता है दिस ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली यूजफुल नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट ऑल्सो फॉर लाइफ फॉर एवरीवन, तो इट वॉज रियली वंडरफुल। मैं चाहूंगी कि इसके एक एक मॉड्यूल पे और डिटेल ट्रेनिंग लेने का मौका मिले आपसे, और बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और थैंक यू सो मच अखिलेश सर एज वेल जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी इतने डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स को सुनने की। मैम इन्हीं की बदौलत बैठे हुए हैं, ऐसे ग्रेट लीडर जिसके हो उसकी तो नैया वैसे ही पार है। बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही बोला, और यहाँ पे एक चीज मैं और जरा बोलना चाहूंगा, जो आपने एक पॉइंट बीच में डिस्कस किया था वो शायद लोगों ने सीरियसली इसको लिया नहीं है, और लिया भी हो कि ये जो शुरुआत करनी है ना, ये शुरुआत सबसे पहले अपनी फैमिली से करनी है। जो सर ने यहाँ पर डिस्कस किया कि अपनी वाइफ से अच्छा बोलना शुरू करें, अपने बच्चों से अच्छा बोलना शुरू करें, अपने माँ बाप से, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी। कई लीडर्स बाहर बोलने में बहुत माहिर होते हैं लेकिन घर में उनके झगड़े रहते हैं, उसकी शुरुआत घर से करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। हाँ मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगी अगर घर में अच्छा कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ठीक है घर में सही करने के लिए वाइफ को भी ट्रेनिंग में डालनी पड़ेगी सर। सर इसीलिए बोला था मैंने, तो ऑडियो भी ट्रेनिंग में, अगली ट्रेनिंग में वाइफ को भी डालना पड़ेगा, इकलौते नहीं हो पाएगा ये। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की तैयारी करते हैं। अभी आज ट्रेनिंग हो गया, 8:30 हो चुका, परफेक्ट टाइम पे खत्म हुई ट्रेनिंग आज की, जितना एक आदमी के इंसान में जा सकता है ब्रेन में जा सकता है एग्जैक्टली उतना। आप लोग बार बार डिमांड करें कैलकुलेशन की ट्रेनिंग के लिए, मैं पोल लॉन्च करता हूं, देखूं पोल में भी वो है तो पोल में आप लोग थोड़ा सा देखिए अगली ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग की आपकी बहुत डिमांड है सर, जो टोटल आपने एक बार कैलकुलेशन दिखाया था, मेरे पास बहुत सारे फोन आ चुके हैं। प्लीज सर मैं एक पोल मैंने लॉन्च किया है, इस पोल पे वोटिंग सब लोग कर लीजिए, उस हिसाब से ट्रेनिंग हम प्लान कर लेंगे फिर। इस पोल में तो कैलकुलेशन है ही नहीं है। होगा सर? अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन वाली तो दिखाओ भाई। ओके कोई बात नहीं, कल का इंग्लिश वाला सेशन खत्म होने के बाद में मैं प्रयास करके अनाउंस कर देता हूँ उसकी, उस कर लेते हैं। एक्चुअली मैं उसको विजुअल दिखाना चाह रहा हूँ, अभी तक मैंने जो किया था वो किया था कैलकुलेशन के आधार पे,
विजुअल इम्पैक्ट जाने पे उसकी समझ की लेवल बढ़ जाएगी लोगों को, जो जो लोग मीटिंग में होंगे ना वो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो बिल्कुल करेंगे, इस वीक हम कुछ ट्रेनिंग को रिपीट करेंगे जो बेहद डिमांडेड है, और इसी महीने के इस वीक के अंदर में जी सब कुछ सही रहा तो फिर सबकॉन्शियस कॉन्शियस वाली ट्रेनिंग करेंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और लगभग 6 घंटे की वैसे ट्रेनिंग है बट 2-1.5 घंटे में निपटाया जा सकता है, 1.5 से 2 घंटे जाएगा। ऑडियो विजुअल होता है, हालांकि बहुत सारे टूल्स यानी होमवर्क भी कराए जाते हैं, बट ठीक है एक बार हम करेंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन समझ में आएगा, फिर उसको ऑफलाइन हम करेंगे 6 घंटे वाली। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर ऑल।